आई होप अब सभी को दिख रही होगी। फिर ठीक है, दी अभी भी आपको नहीं दिख रही हो तो एक बार आप रीलॉग इन कर लीजिएगा। ओके, बैंक निफ्टी की एक्सेल स्ट्रेटजी आज डिस्कस करने वाले हैं अपन। बैंक निफ्टी की एक्सेल स्ट्रेटजी का जो एक्सेल है वो आप सभी को ऑलरेडी मिल गया होगा। ठीक है, आप सभी ने जब ज्वाइन किया था उस टाइम आपको हमारी साइट से जो मेल आए थे उनमें आपको एक बैंक निफ्टी 2.15 एक्सेल आया होगा। यदि आप सबके पास जो 2.15 एक्सेल नहीं आया होगा तो एक बार आप मैसेज कर सकते हैं, फिर से आपको मिल जाएगा। जो लेटेस्ट अपना वर्जन है 2.15 है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास स्ट्राइक प्राइस नहीं आ रही थी 2.15 में, तो उनको 2.16 दिया था। यदि आप सबके पास भी 2.15 है और इसमें यदि ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस आपको विजिबल नहीं है, राइट, वो जो भी आप लैपटॉप यूज कर रहे होंगे कभी कभी उसकी सेटिंग पे भी डिपेंड करता है, आपने माइक्रोसॉफ्ट में इस एक्सेल को ओपन कर रखा है या WPS में, उस पर भी डिपेंड करता है। यदि फिर भी आपने वैल्यू एंटर करने के बाद और आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं दिख रही है तो आप 2.16 वर्जन भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी 2.15 भी लेटेस्ट वर्जन है, बट कुछ लैपटॉप कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे थे जिनमें ओपन नहीं हो रहा था सेटिंग के प्रॉब्लम की वजह से, या कुछ एंटीवायरस अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए आप लेटेस्ट वर्जन ले सकते हैं यदि आपके पास भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर नहीं दिखती है तो। ठीक है, तो आप सबको जो मिला है वो लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, उसमें इस प्रकार अपने लिए ट्रेड मिलता है। तो इसमें ट्रेड किस प्रकार जनरेट करते हैं, ओके, ट्रेड जनरेट होने के बाद काम किस प्रकार करते हैं वो आज अपन डिस्कस करते हैं। ये जो बैंक निफ्टी 2.15 एक्सेल आपको मिला है ये बैंक निफ्टी का है, तो इसके लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड अपन जनरेट करेंगे। इसमें बैंक निफ्टी की वैल्यूज एंटर करते हैं। आपके पास सेपरेट पावर लंटन निफ्टी जैकपॉट एक्सेल मिला होगा, वो जैकपॉट के लिए अपन यूज करते हैं, निफ्टी जैकपॉट के लिए। जो प्रीवियस संडे क्लास में निफ्टी जैकपॉट की जो स्ट्रेटजी डिस्कस की थी उसमें जो अपन ने डिस्कस की थी वो जैकपॉट का सेटअप था, तो जैकपॉट का सेटअप ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं, आज फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि संडे क्लासेस में अपन कौन कौन सी 4 स्टडीज कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी को ऑलरेडी पता होगा के संडे क्लासेस में अपन लेवल 1 की जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिस्कस करते हैं। लेवल 1 में आज अपनी ये क्लास है, राइट, तो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो 2.15 जो एक्सेल स्ट्रेटजी है उसकी आज क्लास है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट संडे पावर लंटन निफ्टी जैकपॉट स्ट्रेटजी की क्लास रहेगी। पावर लंटन जैकपॉट स्ट्रेटजी की जिन स्टूडेंट्स की क्लास हो चुकी है तो जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा था, राइट, आपका आप सभी का जो सीक्वेंस प्रीवियस मंथ में चल रहा था वो क्या चल रहा था, पावर लंटन निफ्टी जैकपॉट स्ट्रेटजी, फिर इसके बाद बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रो, बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी, और इसके बाद सिंगल स्टॉक इंट्राडे स्ट्रेटजी। तो सीक्वेंस सेम है, जो क्लास आपने अटेंड कर ली है वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, जो आपने अटेंड नहीं किए वो आने वाले संडे क्लासेस में आप सीखेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं आज जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आपका यही रहेगा आज की डेट में बैंक निफ्टी का जो एक्सेल स्ट्रेटजी है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट संडे क्लास में सीक्वेंस सेम चलेगा, नेक्स्ट संडे क्लास में सिंगल स्टॉक इंट्राडे स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो इस संडे के बाद नेक्स्ट संडे सिंगल स्टॉक इंट्राडे स्ट्रेटजी जो बजाज फाइनेंस में अप्लाई करते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो संडे रहेगा सिंगल स्टॉक इंट्राडे स्ट्रेटजी के बाद उसमें पावर लंटन निफ्टी जैकपॉट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, फिर बाउंसिंग फ्रॉम द रो, फिर बैंक निफ्टी एक्सेल एंड फिर सिंगल स्टॉक इंट्राडे स्ट्रेटजी। तो आफ्टर FD4B की संडे क्लासेस रिपीट होती है। ओके, दीपांशु जी आपने मैसेज किया है आपने 2 क्लासेस अटेंड कर ली। हाँ, यदि आपने 2 क्लासेस अटेंड कर लिए तो जो भी आपकी पेंडिंग स्टडी, यदि आप जैसे 2 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं पावर लंटन निफ्टी जैकपॉट की और बाउंसिंग फ्रॉम द रोप की, तो ये जो 2 आज की डेट में बैंक निफ्टी एक्सेल स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे क्लास की जो जूम लिंक रहेगी सिंगल स्टॉक की वो भी आपको आ जाएगी वो यदि आपने मिस किए तो। ओके, तो ये 4 संडे क्लासेस में ये 4 संडे की स्ट्रेटजीज अपन कंप्लीट करते हैं। ओके, लेवल 1 की, तो आज अपन इस स्ट्रेटजी को कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो इनके आपको संडे क्लासेस की जर्नी पता होगी, तो संडे क्लासेस में अपन ये 4 स्टडीज कंप्लीट करते हैं और आज इसकी क्लास है, नेक्स्ट संडे इसकी क्लास रहेगी, फिर पावर लंटन निफ्टी जैकपॉट, फिर बाउंसिंग फ्रॉम द रॉक स्ट्रेटजी। ओके, ये अपन लेवल 1 में डिस्कस करते हैं। पावर लंटन निफ्टी जैकपॉट स्ट्रेटजी का एक्सेल सेपरेट है। निफ्टी के जैकपॉट में आपको बैंक निफ्टी की वैल्यूज एंटर नहीं करना, ये निफ्टी का जो जैकपॉट एक्सेल है सिर्फ निफ्टी में अपन चेक करते हैं जैकपॉट है या नहीं। आज की डेट में जो स्ट्रेटजी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी के है, उससे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड जनरेट करना है। प्रीवियस संडे को बैंक निफ्टी की बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, जो बैंक निफ्टी की बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी थी उसको बैंक निफ्टी में आपको अप्लाई करना है जब उसमें ट्रेड जनरेट होता है 5 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है।
तो इसका टाइम फिक्स है, जब भी इसमें आपको ट्रेड जनरेट करना रहेगा इसका टाइम फिक्स है कि आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद यदि स्टेप टू चेक द प्लान में आपको यदि कंडीशन थ्री आता है तो आपको कंडीशन थ्री में आपको सेकेंड 15 मिनट कैंडल की यहाँ पर वैल्यूज एंटर करना रहेगा। लेकिन यदि फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान में यदि नहीं आया कंडीशन थ्री, कंडीशन वन या टू दोनों में से कोई एक है, तो फिर सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर नहीं करना रहेगा। तो अभी आप सभी फुल फोकस मेरी स्क्रीन पर रखिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है इसका रूल। अभी मैं आपको इसमें किस प्रकार ट्रेड जनरेट करते हैं वो बताता हूँ, और ट्रेड जनरेट करने के बाद लास्ट में जो कुछ ट्रेड्स आए थे उनका वो अपन चेक करते हैं, बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा है। इस बैंक निफ्टी एक्सेल में हमेशा फ्यूचर चार्ट से वैल्यूज एंटर करना होता है, स्पॉट चार्ट से वैल्यूज इंटर नहीं करना। यहाँ पर जो वैल्यूज इंटर करना रहेगा वो फ्यूचर चार्ट से वैल्यूज इंटर करना रहेगा। फर्स्ट बॉक्स जो है जहाँ पर मेंशन है ओपन हाई लो क्लोज एटीएम है, ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर करना है यहाँ पर। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट से ये 5 वैल्यूज इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करना होता है। स्टेप टू चेक द प्लान में यदि कंडीशन वन में है चेक कंडीशन वन टेप, तो अपन कंडीशन वन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन वन में अपना ट्रेड आ जाएगा। फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान में क्लिक किया, यदि ट्रेड कंडीशन टू में है तो कंडीशन टू यहाँ पर आपको नीचे दिख रही होगी, इसमें आपको ट्रेड मिल जाएगा जैसे ये दिया हुआ है। यदि कंडीशन थ्री के सामने ऐसा आता है, मीन्स यदि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन थ्री है, कंडीशन थ्री है तो कंडीशन थ्री में 9:30 पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। कंडीशन वन एंड टू में हमेशा आपको 9:30 पे ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन थ्री होगी तो आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन रहेगा, यू हैव टू गो बैक एंड एंटर नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल वैल्यूज, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टेप वन इनपुट डेटा शीट पे बैक आएंगी, एंड यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर की थी वो सेम रहने देंगे, उनको डिलीट नहीं करना। सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करेंगे, इसके बाद कंडीशन थ्री पे क्लिक करके देखेंगे कि ट्रेड है या नहीं। ट्रेड है तो किस प्रकार काम करना होता है वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक, ये जो बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी है, इस बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी में जो आपको एवरी मंथ ट्रेड्स मिलेंगे, राइट, इस आप ट्रेकर पे भी चेक कर सकते हो, आने वाले टाइम में भी जब आप ट्रेड्स करेंगे तो जो ट्रेड जनरेट हो रहे हैं उनमें जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट को आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, इस बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी का जो ट्रेड टेकर है वो इसमें हमने यहाँ पर लिंक कर दिया है, तो आप लाइव ट्रेड टेकर देख सकते हैं, जो भी ट्रेड्स इसमें जनरेट होंगे उनका क्या रिजल्ट है। जैसे प्रीवियस मंथ के जो ट्रेड्स आए थे, इस मंथ अभी जो ट्रेड आए उनमें से 4 ट्रेड आए थे, उसमें से 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, 2 एग्जीक्यूट नहीं हुए। जो प्रीवियस मंथ जो ट्रेड्स आए थे उनको अपन वन बाई वन चेक करते हैं कि ट्रेड जनरेट होते हैं तो किस प्रकार काम करना होता है, राइट। तो अपन वन बाई वन चेक करते हैं कि लास्ट के जो ट्रेड्स हैं उनमें क्या रिजल्ट रहा है और किस प्रकार इसमें ट्रेड जनरेट करना होता है। ठीक, आप अभी किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इस बैंक निफ्टी एक्सेल में वैल्यूज इंटर करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है। ठीक, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट आप ओपन करेंगे, इस पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आपको ओपन करना है। बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट नहीं ओपन करेंगे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आप ओपन करेंगे। हमेशा आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट करंट कॉन्ट्रैक्ट का ही ओपन करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, बैंक निफ्टी को फ्यूचर में क्लिक करने के बाद इस पे, तो बाय डिफॉल्ट ये करंट कॉन्ट्रैक्ट ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये आपको चार्ट ओपन करना है। ये जो स्ट्रेटजी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। इससे पहले अपने प्रीवियस संडे क्लास में जो बैंक निफ्टी की बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी डिस्कस की थी वो स्ट्रेटजी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड थी। उसमें अपन ने दिखाया था कि वो मोर देन वन ट्रेड भी इंट्राडे में दे देती है, राइट। जैसे फ्राइडे को ही उसने अप्रोक्सीमेट 2 to 3 ट्रेड जनरेट किए। तो जो बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी है, मंथ में 22 ट्रेडिंग डेज में से एवरी मंथ 14 to 15 डेज वो ट्रेड जनरेट करती है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड होती है। ठीक है, जब इसमें ट्रेड नहीं होता तब अपन उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। तो इस स्ट्रेटजी का जो आपको चार्ट ओपन करना है वो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करना है। तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ओपन करेंगे। कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न आपको ओपन करना है, फिबोनाची पैटर्न आप ओपन मत करिएगा, आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी। आपको कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न आपको ओपन करना है इसमें वैल्यूज एंटर करने के लिए, से आपका जो ट्रेड आएगा वो हमारे ट्रेड से मैच हो जाएगा।
इंडिकेटर आप एक अप्लाई करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इंडिकेटर में आप सर्च करेंगे ईएमए, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ही होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ईएमए 9 अप्लाई हो जाएगा। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई हुआ इसमें लेंथ में बाय डिफॉल्ट 9 लेंथ आती है, इसको चेंज करना है आपको। सेटिंग पे क्लिक करके लेंथ में 9 की जगह 8 कर देंगे। ओके, 8 करने के बाद आपको चार्ट सेटिंग में छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, राइट साइड में टॉप में यहाँ पर आपको एक चार्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक चार्ट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। चार्ट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सिम्बॉल में यहाँ पर आपको एक सेशन का ऑप्शन आएगा, सेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में एटीएमई की वैल्यू डिफरेंट होती है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में एटीएमई की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो आपको हमेशा एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सेलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पर जो एटीएमई की वैल्यू है वो देखना है, और यहाँ पर आपको एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद ओके करना है। ठीक, सेम चार्ट सेटिंग आपको यूज करना है। नरेश जी, आपका मैसेज आया बाउंसिंग फ्रॉम, हाँ बाउंसिंग, आपने जो मैसेज किया वो बिल्कुल सही कि बाउंसिंग फ्रॉम द रोप में भी अपन ने सेम चार्ट सेटिंग यूज की थी, इसकी भी चार्ट सेटिंग सेम है। आपको चार्ट सेटिंग सेम रखना है, उसका टाइम फ्रेम अलग है, उसका जो सेटअप होता है वो अलग है, राइट, इसका जो सेटअप है वो अलग है। तो आपको सेम चार्ट सेटिंग यूज करना है जो अपन ने बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप के लिए यूज करी थी। तो आपको यहाँ पर एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो इस चीज को नहीं देख पाते और उनका एटीएमए का वैल्यू अलग होता है जिससे रिजल्ट भी अलग हो जाता है, राइट। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपको हमेशा यही याद रखना है कि सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप किसी भी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज और एटीएमए का वैल्यू देखेंगे ना, उनमें ओपन हाई लो क्लोज एवरी कैंडल का आपको सेम दिखेगा दोनों में। जो ओपन हाई लो क्लोज कैंडल का रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में है वही रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स के अलावा एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में भी होगा, सेम होगा, ओपन हाई लो क्लोज दोनों में सेम होता है। लेकिन एटीएमए की वैल्यू आप देखेंगे तो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में अलग होगी और रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में अलग होगी। हो सकता है कुछ कैंडल की सेम भी हो, बट मैक्सिमम कैंडल्स की डिफरेंट होती है, इसलिए आपको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में एटीएमए की वैल्यू देखनी है। ओके, इसके बाद इस पे ओके क्लिक कर देना है। ये करेक्ट चार्ट सेटिंग है, इस चार्ट सेटिंग को आपको यूज करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर चार्ट है वो ओपन किया, अभी अपन ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न, इसके अलावा एक इंडिकेटर अप्लाई किया, एटीएमए 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और चार्ट सेटिंग में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सेलेक्ट किया। ये चार्ट सेटिंग यूज करते हैं। प्रीवियस मंथ में जो ट्रेड्स आए थे उनको अपन वन बाय वन चेक करते हैं। ठीक है, ट्रेड जनरेट होता है इसके बाद किस प्रकार काम करना होता है, ट्रेड नहीं रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, और ट्रेड नहीं रहेगा तो कब किस प्रकार अपने आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेड नहीं रहेगा वो भी अपन चेक करते हैं। जैसे कि 1 दिसंबर को ट्रेड नहीं था, आपको यहाँ पर ट्रेकर में भी दिख रहा होगा 1 दिसंबर को ट्रेड नहीं था, लेकिन ये कैसे पता चला कि इस दिन ट्रेड नहीं करना था वो अभी अपन देखते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ट्रेड क्यों नहीं था। इसके बाद जिस दिन ट्रेड होगा उस दिन काम किस प्रकार करना रहेगा वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करना है और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का आपको वैल्यू एंटर करना है। ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल 9:30 पे कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इस स्ट्रेटजी में ट्रेड जनरेट करने के लिए आपको 9:30 पे इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल को ओपन करना है। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल को ओपन करने के बाद इसमें जो पहले से वैल्यूज लिखी हुई है उनको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो जो वैल्यूज यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, उनको आप डिलीट कर देंगे। इसके बाद बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज इंटर करना है, हमेशा यहीं पे इंटर करना है। फर्स्ट जो सीट है इसका नाम है स्टेप वन इनपुट डेटा, तो आपको यहाँ पर स्टेप वन इनपुट डेटा से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें वैल्यूज इनपुट करते हैं, अदर सीट्स पे आपको वैल्यूज एंटर नहीं करना है। यदि आप यहाँ पर वैल्यूज एंटर करने के लिए ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा ये प्रोटेक्टेड सीट है, राइट। तो क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स यहाँ चेक नहीं कर पाते और यहाँ पर वो बाई मिस्टेक इंटर करने के लिए ट्राई करते थे, होता है। मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैं काफी देर से परेशान हो रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यूज एंटर नहीं हो रही, और वो सीट 3 में ट्राई कर रहे थे वैल्यूज एंटर करने के लिए। ये छोटी सी मिस्टेक है, बट इसके कारण भी कभी कभी हो सकता है लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड जनरेट कर रहे हैं उस टाइम आप ध्यान नहीं दे पाए और आप यहाँ पर वैल्यूज एंटर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये प्रोटेक्टेड सीट आएगी, राइट। तो आपको हमेशा वैल्यूज फर्स्ट सीट में इंटर करना है, बाकी जो अदर सीट्स है वो ऑटो कैलकुलेट होती है। इनपुट आप यहाँ पर इंटर करेंगे, अदर सीट्स में आउटपुट आपको मिलेगा, जिस
में भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडीशन वन की ट्रेड जनरेशन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंडीशन वन में ट्रेड आ जाएगा, कंडीशन टू की ट्रेड जनरेशन सेटिस्फाई होगी तो कंडीशन टू में ट्रेड आ जाएगा, कंडीशन थ्री की होगी तो थ्री में आ जाएगा। तो अदर सीट्स ऑटो कैलकुलेट होती है, आपको यहाँ पर कोई वैल्यूज एंटर नहीं करना है इनमें, आपको सभी में देखेगा प्रोटेक्टेड सीट, आपको हमेशा जो वैल्यूज एंटर करनी रहेंगी वो इनपुट डेटा सीट पे एंटर करनी रहेंगी। ओके, स्टेप वन इनपुट डेटा सीट में यहाँ पर आप स्टार्ट हेयर जहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की फाइव वैल्यूज ओपन हाई लो क्लोज एंड एटीएमई की वैल्यू ये एंटर करना है, आपको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू एंटर करना है, आपको राउंड फिगर में नहीं करना है, डेसिमल के बाद का भी आपको एंटर करना है। तो ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की अपन वैल्यूज एंटर करते हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की जो वैल्यूज है बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट की ये आपको एंटर करना है। आई होप मेरी स्क्रीन पे आपको एक्सेल दिख रहा होगा और ट्रेडिंग व्यू का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का फर्स्ट ऑफ दिसंबर का आपको वैल्यू भी दिख रहा होगा, ओपन हाई लो क्लोज मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है। आप सभी को फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की जो वैल्यूज हैं वो आपको दिख रही होंगी, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज क्या है, राइट? तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज देखते हैं। हाँ, एक और बात मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है, चार्ट सेटिंग में अपन ने यहाँ पर एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया था, ये कब किया था, ये किया था दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद, जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ 28 दिसंबर को, तो 29 दिसंबर को एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज पे अपने क्लिक किया था, जिससे ट्रेडिंग व्यू पे जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया है राइट वो एडजस्ट होके आपको नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी वाला उसकी वैल्यूज दिखने लगे। एक बार आपको जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा तो फिर चेक करना है कि यदि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के बाद यहाँ पर एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक नहीं है तो आप कर देंगे, लेकिन यदि आप प्रीवियस जो ट्रेड्स हैं वो बैक टेस्ट करना चाहेंगे, यहाँ पर जो ट्रेड्स मेंशन है वो आप चेक करना चाहेंगे, तो सभी के सभी जो ट्रेड्स हैं उनमें आपको क्या सिलेक्ट करके आपको ट्रेड चेक करना है वो आपको चेक करना है यहाँ पर, इसको हटाने के बाद एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस को आप, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट नया आया था उसको एडजस्ट करने के लिए अपन ने एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंज पे क्लिक किया था, ये कब किया था, दिसंबर का कॉन्टेक्ट एक्सपायर होने के बाद, और आप जो जनवरी का कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ तो जनवरी के फर्स्ट डे को यहाँ पर एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंज पे क्लिक किया था। जब जनवरी का कॉन्टेक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आपको चेक करना है एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंज है या नहीं, नहीं होगा तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। ओके, लेकिन दिसंबर के जो ट्रेड्स हैं उनको आपको बैक टेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको आपको रिमूव करना होगा, क्योंकि दिसंबर का जो आपका रिजल्ट है वो जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था उसकी वैल्यूज देखने के बाद ही आपको आएगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, जब आप बैक टेस्ट कर रहे हैं प्रीवियस मंथ के तो उनके लिए आपको हमेशा यहाँ से हटाना है, और जब आप जो करंट मंथ चल रहा है जनवरी मंथ चल रहा है उसमें ट्रेड जनरेट करेंगे तो आप हमेशा एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे क्लिक करके आपको अभी जनवरी के ट्रेड्स आपको देखने, और यहाँ से इसको रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है प्रीवियस मंथ के देखने, तो अपन फर्स्ट ऑफ दिसंबर का ट्रेड चेक कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ दिसंबर को क्या ट्रेड था और ट्रेड था तो उसमें क्या रिजल्ट था, सीट के अकॉर्डिंग अपने पता चल रहा है कि उस दिन कोई ट्रेड नहीं था, लेकिन यदि ट्रेड जनरेट होगा तो किस प्रकार ट्रेड जनरेट करके काम करना रहेगा वो अभी अपन चेक करेंगे। किशोर जी आपका आया है लास्ट थर्सडे, हाँ मंथ का लास्ट थर्सडे फ्यूचर, क्योंकि अपन वैल्यूज फ्यूचर चार्ट से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होता है, फ्यूचर का एक्सपायरी तो मंथली होता है राइट, फ्यूचर में कोई वीकली एक्सपायरी नहीं होता, फ्यूचर का एक्सपायरी मंथली होता है, एवरी मंथ का लास्ट थर्सडे फ्यूचर का एक्सपायरी होता है, जो वैल्यूज एंटर कर रहे हैं अपन वो हमेशा फ्यूचर चार्ट से एंटर करते हैं, तो आपको जो लास्ट थर्सडे जब हो जाता है अपना और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट डे को आपको एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर अपन अभी वैल्यूज एंटर कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ दिसंबर के, फर्स्ट ऑफ दिसंबर का आपको यहाँ पर हाई दिख रहा होगा, ओपन हाई लो क्लोज फाइव वैल्यूज अपन एक साथ देख लेते हैं फिर एंटर करते हैं। आपको ओपन दिख रहा होगा 44522.35, हाई दिख रहा होगा 44945, लो दिख रहा होगा 44522.35 एंड क्लोज दिख रहा होगा आपको 44940। ओके, तो ये वैल्यूज इंटर करते हैं इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो 2.15 एक्सेल में। ओपन है 44522.35, 44945 हाई है एंड लो है 44522.30.35 एंड क्लोज है 44943.7, सॉरी 940 है।
यस 9,40 है क्लोज, 9,40 है क्लोज, NATA में है 4,94,54,546.63। आई होप आप सभी को दिख रही होंगी कि जो वैल्यूज मैंने इंटर की है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार और मैच कर लेते हैं। ओपन मैंने बिल्कुल करेक्ट इंटर किया है 4,52,235। हाई भी करेक्ट है, लो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्लोज भी करेक्ट है 4,49,40, एंड ATMA की वैल्यू भी बिल्कुल करेक्ट है 4,54,646.63। ओके, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ये 5 वैल्यूज इंटर करने के बाद हमेशा स्टेट टू चेक द प्लान पे क्लिक करना होता है। स्टेट टू चेक द प्लान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन 3 आया। जब भी कंडीशन 3 आएगा तो आपको 9:30 पे कभी ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको सेकंड कैंडल की वैल्यूज एंटर करना रहेगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी मेंशन है, हाय टुडे यू शुड वेट एंड गो बैक टू स्टेप वन एंड इनपुट नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल वैल्यूज। नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल मीन्स सेकेंड 15 मिनट का कैंडल। ओके, तो आपको स्टेप वन पे वापस आना है एंड सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज हमेशा इस बॉक्स में एंटर करना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान में यदि यहाँ पर कंडीशन वन मेंशन होता 9:30 पे ट्रेड मिल जाता अपने लिए। ओके, कंडीशन वन में यदि स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन टू होता तो भी 9:30 पे ट्रेड मिल जाता यहाँ पर कंडीशन टू वाली सीट में, लेकिन स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन थ्री आया, चेक कंडीशन थ्री टैप, तो आपको हमेशा कंडीशन थ्री में 9:30 पे कोई भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो यहाँ पर मेंशन है कि 9:30 से 9:45 का जो सेकंड 15 मिनट कैंडल है इसकी वैल्यूज एंटर करना है। ओके, सेकंड 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज एंटर करते हैं। सेकंड 15 मिनट कैंडल का ATMA का वैल्यू एंटर नहीं करना, तो यहाँ पर अपन सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यू एंटर करते हैं। ये हमेशा कब करना है, जब कंडीशन थ्री आता है। तो कंडीशन जो थ्री है, कंडीशन थ्री में सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करेंगे। सेकंड 15 मिनट कैंडल का आपको यहाँ पर ओपन दिख रहा होगा 4,94,3.70। ओके, सेकेंड 15 मिनट कैंडल का जो ओपन है वो अपन मेंशन करते हैं 4,94,3.70। ओके, एंड सेकेंड 15 मिनट कैंडल का हाई है 4,98,6.85, 4,98,6.95, सॉरी 9,86.85, राइट। सेकेंड 15 मिनट कैंडल का हाई भी बिल्कुल करेक्ट एंटर किया, लो है 4,91,0.05, 4,91,0.05 और क्लोज है 4,94,64। ओके, सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यू इंटर करने के बाद इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो यहाँ पर मेंशन है, गो टू कंडीशन थ्री टैप। कंडीशन थ्री टैप पे जाएंगे, कंडीशन थ्री में सीट ब्लैंक है। कंडीशन थ्री में सीट ब्लैंक है मींस ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इसमें कोडेड है इस स्ट्रेटजी का, उसने ट्रेड को अवॉइड करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला ने आइडेंटिफाई किया है कि रिस्क हाई है। तो जब भी ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेगा कि मार्केट में हाई रिस्क हाई रिटर्न की अपॉर्चुनिटी है, ये आपको अवॉइड करवा देगा। ओके, तो कंडीशन थ्री में सीट ब्लैंक है मीन्स ट्रेड को अवॉइड करना है। तो जब ट्रेड नहीं करना है इस स्ट्रेटजी में तो आपको कैसे पता चलेगा, जब सीट ब्लैंक होगी। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद कंडीशन वन में ट्रेड आएगा तो कंडीशन वन में 9:30 पे ट्रेड मिल जाता है, उस दिन काम करेंगे। कंडीशन टू में होगा तब भी 9:30 पे मिल जाएगा, उस दिन 9:30 पे काम करेंगे कंडीशन टू के ट्रेड में। लेकिन कंडीशन थ्री आया था, यहाँ पर कंडीशन थ्री में अपन ने सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करी। सेकंड 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज एंटर करना है। एंटर करने के बाद कंडीशन थ्री में सीट ब्लैंक है तो ट्रेड नहीं करना। लेकिन कंडीशन थ्री में यहाँ पर ट्रेड मेंशन होता तो किस प्रकार काम करना रहेगा वो अपन करेंगे। आने वाले टाइम में कुछ और ट्रेड्स अपन चेक करेंगे जिनमें कंडीशन थ्री में अपने लिए ट्रेड आया था। तो कंडीशन थ्री में ट्रेड आएगा तो वो कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ पर ट्रेड लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा, ये फ्यूचर का ट्रेड लिखा होगा, यहाँ पर नीचे ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन का टाइप लिखा होगा, राइट। तो जब भी कंडीशन थ्री में सीट ब्लैंक है तो आपको अवॉइड करना है, और जब कंडीशन थ्री में ट्रेड है तो आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेड करने का क्या रूल रहेगा वो भी अपन चेक करेंगे। तो अपन ने अभी 1st ऑफ दिसंबर का चेक किया कि 1st ऑफ दिसंबर को कोई ट्रेड नहीं था, इसलिए अपन ने अवॉइड किया इसके ट्रेड को। ठीक है, तो कंडीशन थ्री में सीट ब्लैंक है तो ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला
जो है इसमें कोडेड है बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो 2.15 एक्सेल स्ट्रेटजी का, उसने अपॉइड करवाया। फर्स्ट कैंडल की वैल्यूज अपन ने एंटर की थी, ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला ने आइडेंटिफाई किया हाई रिस्क है, इसने कंडीशन 3 प्रोवाइड किया। हाई रिस्क में एक बार और अपन कंफर्म करते हैं 9:45 पे, सेकंड कैंडल की वैल्यूज एंटर की अपन ने। सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करने के बाद अगेन ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला ने आइडेंटिफाई किया कि रिस्क हाई है। यदि ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला 9:45 पे फाइंड करेगा कि नहीं मैं ट्रेड हाई रिस्क नहीं है, ट्रेड कर सकते हैं, तो वो आपको सीट ब्लैंक नहीं देगा, वहां पर आपको प्रॉपर ट्रेड दे देगा। लेकिन यदि इसने सीट ब्लैंक दी है, इसने आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट में जो रिस्क है वो हाई है, तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। क्योंकि इसको इस प्रकार डिजाइन किया है कि जब भी मार्केट में ये आइडेंटिफाई करेगा हाई रिस्क हाई अपॉर्चुनिटी है, तो आपको अवॉइड करवा देगा ये। क्योंकि पहला फोकस अपना कैपिटल को सेफ रखने पर, पहला फोकस अपना कैपिटल को सेफ रखने पे, जब भी अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि मीन्स मार्केट में हाई रिस्क है, तो आपको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अपना गोल क्या है इस स्ट्रेटजी से? अपना गोल यही है इस स्ट्रेटजी से कि एवरी मंथ अपने लिए ये इनकम मिल जाए, राइट। 10,000 का कैपिटल यूज कर रहे हैं, 10,000 के कैपिटल पे 6 to approximate 6,000 का भी इनकम मिलता है, तो उससे क्या हो जाएगा, कैपिटल मोर देन 50% का ROI हो जाएगा। जैसे प्रीवियस मंथ का अपन देखें, तो प्रीवियस मंथ में जो ट्रेड्स आए अपने, अप्रोक्सीमेट 9 ट्रेड्स आए थे, उनका जो नेट रिजल्ट है वो 5,600 का है। मीन्स 10,000 का कैपिटल यूज करके 5,600 का रिटर्न है, मीन्स अप्रोक्सीमेट 56% का ROI। तो जो कैपिटल यूज कर रहे हैं उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, 10,000 यूज किया और 5,600 मिला, तो जो कैपिटल यूज किया उसका अप्रोक्सीमेट 56% का ROI। इस मंथ में भी जो ट्रेड्स आया उसका अपन 10,000 यूज किया और उस 10,000 कैपिटल का कितना अप्रोक्सीमेट 20% का ROI अभी मिल गया। तो अपन क्या कैपिटल यूज कर रहे हैं उस पे क्या अपने लिए ROI मिल रहा है वो देखना है। जो कैपिटल यूज कर रहे हैं उसका मोर देन 50% का ROI है, सेम टू सेम आपको फॉलो करना है। तो जब ये आइडेंटिफाई करेगा इनके ट्रेड है तो ट्रेड करना है, जब इसने अवॉइड करवाया अपने लिए ट्रेड नहीं है तो आपको अवॉइड कर देना। और कैसे पता चलेगा, जब कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक होगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक थी तो ट्रेड को अवॉइड करवा दिया, इस दिन कोई काम नहीं करेगी। ओके, जब ये एवरी मंथ 22 ट्रेडिंग डेज हैं, तो आपको 8 to 12 के बीच में ये ट्रेड देगा, किसी मंथ 8 भी देगा, किसी मंथ 10 भी देगा, किसी मंथ 12 भी देगा, 8 to 12 के बीच में ट्रेड्स मिलेंगे। इस दिन ट्रेड नहीं था, ओके इस दिन ट्रेड नहीं था तो अपन ने अवॉइड कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का अपन चेक करते हैं, दिसंबर मंथ का जो सेकंड ट्रेडिंग डे था उसकी अपन वैल्यूज एंटर करेंगे। उसकी वैल्यूज एंटर करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पहले से वैल्यूज लिखी हुई है उनको डिलीट कर देंगे। ये वैल्यूज डिलीट करने के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की जो वैल्यूज है वो एंटर करेंगे। 1st of December के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 4th December था। 4 दिसंबर को भी सेम करना है, फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होने का वेट करना है। फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज ATMA की वैल्यू इंटर करना है। ओके, ये वैल्यूज एंटर करने के बाद चेक करेंगे कि ट्रेड है या नहीं। विवेक त्रिपाठी जी, आपने बोला है हाउ टू सी ATMA वैल्यू ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक, अभी मैं फिर से करता हूँ, अपन जिस डेट का चेक कर रहे हैं उस डेट का 4th दिसंबर का अपन चेक कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, टॉप में आपको जो 4 वैल्यूज दिख रही होंगी, OHLC, OHLC, ये तो है ओपन हाई लो क्लोज, और ATMA के सामने एक वैल्यू आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे EMA 8 के सामने एक वैल्यू है, ये ATMA की वैल्यू है। तो जिस कैंडल पे क्लिक करेंगे उस टाइम जो ATMA के सामने वैल्यू दिख रही है वो ATMA की वैल्यू है। मैंने अभी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है और आपको ATMA की वैल्यू दिख रही होगी 45252.66, तो ये ATMA की वैल्यू है। आई होप अभी आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि ATMA की वैल्यू किस प्रकार चेक कर। ओके, तो ATMA की वैल्यू चेक करने के लिए अपने लिए ATMA के सामने जो वैल्यू है वो चेक करना है, जिस कैंडल पे अपन क्लिक कर रहे हैं उस कैंडल की। ओके, 4th दिसंबर की वैल्यूज अपन एंटर करते हैं, ठीक है, इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो 2.15 एक्सेल में मैं वैल्यूज एंटर करता हूँ। कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई वैल्यू गलत एंटर की हुई है बता दीजिएगा, वैसे कोई मिस्टेक होगी नहीं, फिर भी यदि हो जाती है कोई मिस्टेक, कोई वैल्यू गलत एंटर हो जाती है, तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन है 4,57,50.50, हाई है 4,58,73.95, लो है 4,56,02.05, क्लोज है 4,58,65, और ATMA का वैल्यू है 4,52,52.66। इनको एंटर करते हैं। ओके, ओपन था 4,57,50.50,
फर्स्ट कैंडल का हाई है 45873.95। कहीं पर भी आपको लगता है कोई वैल्यू गलत एंटर हुई है तो बता दीजिए, 45602.05 लो था एंड क्लोज 45865 एंड ATMA की वैल्यू थी 45252.66। ओके, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर की अभी मैंने 4 दिसंबर की, ये सभी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट हैं या नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, ओपन बिल्कुल करेक्ट एंटर किया है 45750.50, एच हाई भी बिल्कुल करेक्ट एंटर किया है 45873.95, लो भी करेक्ट है 45602.05, क्लोज भी करेक्ट है 45865 एंड ATMA का वैल्यू भी करेक्ट है 45252.66, ये वैल्यूज इंटर थी। सुशील जी आपका मैसेज आया है कि एग्जैक्ट, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज ही आपको इंटर करना है, राउंड फिगर में नहीं करना। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप हाई 45873.95 है तो इसको आपको राउंड फिगर में करके आपने 874 कर दिया, राइट? आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू इंटर करना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद हमेशा स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करते हैं। स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन बन आया, 4 दिसंबर को कंडीशन बन आया, चेक कंडीशन बन टैब, तो अपना ट्रेड कहाँ पर रहेगा? कंडीशन बन में रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशन बन में या कंडीशन टू में जिसमें भी कभी पहले ट्रेड आता है तो उसमें आपको 9:30 पर ही ट्रेड मिल जाएगा। कंडीशन वन या टू में जब ट्रेड आता है तो आपको सेकेंड कैंडल की वैल्यूज एंटर नहीं करना, आपको 9:45 का वेट नहीं करना, फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद ही अपने लिए ट्रेड मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन बन आया था, कंडीशन वन पे क्लिक किया, कंडीशन वन में अपने लिए ट्रेड मिल गया। ठीक है, ये जो ट्रेड है यहाँ पर मेंशन है, ये फ्यूचर ट्रेडर के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ के जो इंस्ट्रक्शन मेंशन है वो फ्यूचर ट्रेडर के लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए है। तो ऑप्शन में ये आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो आप सभी में से मुझे जो टीम के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो आपको ऑप्शन में काम करने के लिए इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन का इंस्ट्रक्शन है उसमें ट्रेड किस प्रकार लेना रहेगा वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्राइक प्राइस क्या है, 45,800, तो ये स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन का टाइप आपको यहाँ पर आ गया सी, मीन्स आपको कॉल ऑप्शन में काम करना है, और ये टारगेट है, ये टारगेट 129 का है। तो जो 129 है वो पॉइंट्स का टारगेट है, वो प्रीमियम नहीं है। टारगेट के सामने 129 है, मीन्स 45,800 के कॉल ऑप्शन में काम करना है और 129 पॉइंट्स का टारगेट है। ओके, तो 129 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा अपना, एंट्री और स्टॉप लॉस क्या रहेगा उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेंशन है। देखिए ओपन 15 मिनट चार्ट ऑफ सी स्ट्राइक प्राइस मेंशन अबव, मीन्स 15 मिनट का ऑप्शन का चार्ट ओपन करना है इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का। यहाँ पर ऑप्शन का टाइप सी है और 45,800 की स्ट्राइक प्राइस है, तो बैंक निफ्टी 45,800 के कॉल ऑप्शन के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का आपको हाई देखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी जब अपन डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था कि बाउंसिंग फ्रॉम द रोप में वीकली कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उसके लिए एक्सपायरी क्या सिलेक्ट करना होता है वो भी अपन ने डिस्कस किया था। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी है इसमें जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला कोट किया है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, उसमें जो मॉडिफिकेशन किया है और जो हमने इसमें सारी चीजें ट्रैक कराई वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है। तो बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी जो प्रीवियस संडे क्लास में डिस्कस की थी उसमें आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आप करेंगे, ठीक है, लेकिन इस स्ट्रेटजी में मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट दिख रहा है वो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट का ही है और इस बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी में आपको हमेशा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में करना है। तो आप क्या करेंगे, 45,800 के कॉल ऑप्शन के मंथली कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई देखेंगे। ठीक है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो मंथ की एक्सपायरी है उससे 4 डेज पहले से आपको नेक्स्ट मंथ में स्विच हो जाना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार आपको करना है। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, बैंक निफ्टी 45,800 के कॉल ऑप्शन के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई है वो आप चेक करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि जो बैंक निफ्टी का 45,800 के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई है वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 है। ओके, 500 हाई है तो एंट्री प्राइस क्या रहेगा, 501।
ओपन ए 15 मिनट चार्ट ऑफ सी स्ट्राइक प्राइस मेंशन अबव एंड प्लेस ए बाय ऑर्डर एट द हाई ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। तो आपका जो भी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई आया है उस फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई का आपको प्राइस देखना है, उसमें 1 पॉइंट ऐड कर देना है, हाई प्लस 1 पे आपका एंट्री प्राइस रहेगा। यदि हाई फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का 500 था तो 501 आपका एंट्री हो गया। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ऑप्शन चार्ट का जो लो रहेगा, लो के 1 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जो एंट्री है उस एंट्री में 129 पॉइंट आपको ऐड कर देना है, तो ये टारगेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि एंट्री की बात करें वो 501 थी, तो 501 थी तो आपका क्या रहेगा, आपका 129 पॉइंट ऐड करने के बाद 630 का टारगेट रहेगा। तो जो टारगेट है वो पॉइंट्स का टारगेट है, हमेशा एंट्री में ऐड करना है। एंट्री में ऐड करने के बाद जो भी प्रीमियम प्राइस आएगी उस पे आप अपने टारगेट को लगा देंगे। तो बैंक निफ्टी 45,800 के कॉल ऑप्शन में काम करना था, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो हाई था, हाई के 1 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करना था, लो के नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है, और जो टारगेट है वो आपको एंट्री में ऐड कर देना। एंट्री थी 501, तो आपका टारगेट रहेगा 100। ये 500 मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम क्या था वो अपने लिए यहाँ पर दिख जाएगा। मंथली कॉन्ट्रैक्ट 45,800 के कॉल ऑप्शन के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो हाई था वो था 710। 710 का हाई था, इसलिए 711 पे अपन ने एंट्री प्राइस प्लेस की थी, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है, सॉरी 573, ये अपन ने 5 दिसंबर वाला देखा है, तो यहाँ पर 573 का था, तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो हाई था वो 573 का था। तो आपको हमेशा क्या करना है, 573 का यहाँ पर आपको लगा, ये फ्यूचर चार्ट में जैसे ही फ्यूचर का ट्रेड एग्जिट हो जाएगा तो आपका ऑप्शन का ट्रेड भी ऑप्शन चार्ट में हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पर कंडीशन वन में ट्रेड दिया है इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यदि आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। फ्यूचर में हमेशा दो ऑर्डर आएंगे, प्लेस ए बाय ऑर्डर एंड प्लेस ए सेल ऑर्डर, दोनों में से एक ऑर्डर पहले एग्जिट हो जाएगा। बाय ऑर्डर पहले एग्जिट हो गया तो सेल ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, और बाय ऑर्डर पहले एग्जिट हो गया तो यहाँ पर टारगेट जो लिखा है इसको फॉलो करना है, यहाँ पर आपको मेंशन अल्टरनेट टारगेट एक बाय ऑर्डर ट्रिगर, ओके। और ये टारगेट भी नहीं आया और स्टॉप लॉस भी नहीं आया तो आप क्या करेंगे, 315 पे मार्केट रेट पे एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो SLL ऑर्डर प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, और ब्रोकर की साइड से स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर जो इंट्राडे का होता है उसका टाइम आपको 315 तक मिलेगा। यदि टारगेट भी नहीं आया कभी और स्टॉप लॉस भी नहीं आया तो 315 पे मार्केट रेट पे आप एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो 315 पे आप मार्केट रेट पे एग्जिट कब कर लेंगे, जब टारगेट नहीं आएगा। फ्यूचर का देखते हैं, 45,879 का एंट्री प्राइस था, टारगेट था 46,246 का, ओके। तो फ्यूचर का ट्रेड का अपन चल देते हैं, 45 अपना जो एंट्री प्राइस आया था, आपको देख रहा होगा कि यहाँ से अपना ट्रेड एग्जिट हो गया था इस कैंडल में, ट्रेड एग्जिट इसमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के बाद ही अपन ने ऑर्डर प्लेस किया था। ऑप्शन में आप कर रहे हैं तो जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी अवेलेबल है, और जीटीटी ऑर्डर में एंट्री टारगेट एसएल तीनों आप एक साथ प्लेस कर सकते हैं, और यदि आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर में यहाँ पर आपका जो एंट्री है 45,879, इसको आपने एंट्री में रखा, इसको एसएल में रखा, जो पहले एग्जिट होगा वो ट्रेड बन जाएगा, अपोजिट वाला आपका एसएल बन जाएगा। जो ट्रेड एग्जिट हो गया उसको आप फॉलो करिए, सेल ऑर्डर पहले कभी एग्जिट होगा तो आप इस टारगेट के साथ फॉलो करेंगे, ये स्टॉप लॉस बन जाएगा, टारगेट भी नहीं आया एसएल भी नहीं आया तो आपका क्या रहेगा, आपका जो एग्जिट प्राइस रहेगा वो 315 का। ऑप्शन में आप 325 पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में अपन प्रीमियम अमाउंट है वो पे करते हैं। तो आप ऑप्शन में काम करने के टाइम पे आप नॉर्मल सेलेक्ट करें या फिर कैरी फॉरवर्ड करें, या फिर जो कुछ अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट में अलग है, किसी में कैरी फॉरवर्ड होता है, किसी में नॉर्मल होता है, किसी में ओवर नाइट होता है, तो आप उसमें करेंगे या इंट्राडे में करेंगे तो ऑप्शन में प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं सेम अमाउंट लगेगा। लेकिन फ्यूचर में आप एसएलएल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका ब्रोकर 315 पे स्कोर अप कर देगा, आप नहीं करेंगे तो। लेकिन ऑप्शन में आप ओवरनाइट सिलेक्ट कर रहे हैं या नॉर्मल कर रहे हैं या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसमें आपके पास टाइम है 325 तक। तो ऑप्शन में कभी आपने ट्रेड प्लेस किया और टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया तो आप क्या करेंगे, टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया तो 325 पे मार्केट रेट पे एग्जिट कर लेंगे। और फ्यूचर में आप काम कर रहे हैं तो कभी टारगेट भी नहीं आया एसएल भी नहीं आया तो 315 पे आप मार्केट रेट पे एग्जिट कर लेंगे, ओके। ये तो 45,879 का यहाँ पर एंट्री प्राइस था, 45,879 का एंट्री प्राइस था वो इस वाले ट्रेड में आ गया। 45,879 पे बाय करने के बाद अपना जो टारगेट था फ्यूचर का वो टारगेट कितना था, फ्यूचर का अपना टारगेट था 45,879
46,246 का, तो 46,246 का जो टारगेट था अपना वो अचीव हो गया था, फ्यूचर में भी टारगेट आ गया था, ऑप्शन में भी टारगेट आ गया था। ओके तो इस प्रकार अपन कर लेंगे, तो अपना जो टारगेट था अप्रोक्सीमेट 246 का था, यहाँ पर अपना टारगेट आ जाएगा थोड़ा सा और ऊपर इसके, यहाँ पर अपना 246। ओके तो फ्यूचर में बाय का ट्रेड था, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन का ट्रेड था, बट कभी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर कभी पुट ऑप्शन आया, फ्यूचर में बाय का ट्रेड पहले एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पुट ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन ट्रेडर अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप कर सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में आपको हमेशा दो ऑर्डर मिलेंगे, ऑप्शन में एक मिलेगा। कंडीशन थ्री में आपको ऑप्शन में भी सीई और पीई दोनों लिखा होगा, अभी अपन कुछ ट्रेड चेक भी करेंगे, सीई पीई दोनों लिखा है और स्ट्राइक प्राइस मेंशन है, तो आपको क्या करना है, जो स्ट्राइक प्राइस मेंशन है उस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का सी का भी चार्ट ओपन करना है और पी का भी करना है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में से जिसका फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई पहले ब्रेक होगा उसमें अपन ट्रेड लेंगे, उस 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और कंडीशन थ्री में आपको क्या करना है, कंडीशन थ्री में अपने टारगेट नहीं लगाना होता है, कंडीशन थ्री में आपको टाइम का टारगेट लगाना है, ठीक है, टाइम टारगेट के लिए आपको फॉलो करना है। यदि आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं, एक ही लॉट में कर रहे हैं, तो टाइम टारगेट के लिए फॉलो करते हैं अपन, टाइम टारगेट यानी कि 320। लेकिन यदि आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो पहले लॉट को आप जैसे दो लॉट में किया तो पहले लॉट को 100 पॉइंट पे बुक कर देंगे, फिर सेकेंड लॉट को टाइम टारगेट के लिए 325 के लिए फॉलो करेंगे। यदि आप उससे भी ज्यादा लॉट में कर रहे हैं, दो से भी ज्यादा मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लॉट में कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 50% क्वांटिटी को 100 पॉइंट पे बुक कर देंगे, रिमेनिंग 50 को आप 325 के लिए चले देंगे। तो कंडीशन थ्री में आपको यहाँ पर बॉक्स देखने के बाद ही पता चला होगा कि टारगेट का बॉक्स नहीं है, कंडीशन वन में टारगेट का बॉक्स है, कंडीशन टू में टारगेट का बॉक्स है। तो कंडीशन वन और टू में जब भी ट्रेड आएगा तो आपको प्रॉपर टारगेट आएगा, ऑप्शन में भी टारगेट आएगा कितने पॉइंट्स का है, फ्यूचर का भी आपको टारगेट आएगा, लेकिन कंडीशन थ्री में आपको फ्यूचर में भी टारगेट नहीं आएगा और ऑप्शन में भी नहीं आएगा। कंडीशन थ्री में जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम टाइम कंडीशन थ्री में आपको सीट ब्लैंक आएगी, उस दिन ट्रेड नहीं करना, लेकिन कंडीशन थ्री में कभी कभी आपको ट्रेड आएगा, तो जब ट्रेड आएगा यहाँ पर फ्यूचर में लिखा होगा बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, जो पहले एग्जिट होगा वो ट्रेड बन जाएगा, अपोजिट वाला स्टॉप लॉस बन जाएगा। ओके और यदि टारगेट की बात करें तो टाइम का टारगेट लगाते हैं अपन, तो 315 पे मार्केट रेट पे आप बुक कर लेंगे जितने भी प्रॉफिट्स में होंगी, यदि आप एक लॉट में कर रहे हैं, और मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। लेकिन यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं, और ऑप्शन में कर रहे हैं तो यहाँ सी भी लिखा है पी भी लिखा है, तो दोनों के आप फर्स्ट कैंडल का हाई ओपन करेंगे और फर्स्ट कैंडल का जो हाई है हाई के 1 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिसका हाई पहले ब्रेक होगा उसमें आप ट्रेड लेंगे कॉल में या पुट में, अपोजिट वाले को आप कैंसिल कर देंगे। और टारगेट इसमें क्या है कि यदि आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो आप फर्स्ट हाफ क्वांटिटी को 100 पॉइंट पे बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हाफ को आप 325 तक चलने देंगे, और आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 315 पे आपको बुक करना है, ठीक है। जैसे अभी कुछ यहाँ पर ट्रेड भी आए थे, यदि अपन अभी अपन देखेंगे तो कंडीशन थ्री में अपना, यहाँ कंडीशन थ्री थी 1 जनवरी की, 1 जनवरी को कंडीशन थ्री थी, उसमें यहाँ पर ट्रेड एग्जिट होने के बाद 315 पे एक ही लॉट में करते हैं, ये जो ट्रेड टेकर है वो एक लॉट के अकॉर्डिंग, मीन्स ये 10,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग है, तो जो कैपिटल है 10,000 का उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आप एक लॉट में काम कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम आपकी जो प्रीमियम है वो 500 से 700 के आसपास ही आएगी। तो यदि आपकी प्रीमियम 700 भी आ रही है तब भी आपका जो कैपिटल आएगा वो 10,000 के आसपास का कैपिटल लगेगा। तो जो ट्रेड टेकर है और यहाँ पर हमेशा एक लॉट के अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे, तो कभी भी आने वाले टाइम में भी आप आपके ट्रेड्स का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो जस्ट आप इस एक्सेल में जो ट्रेकर है इसको आप ओपन करिए, आप सबके पास जो एक्सेल है उसमें ऑलरेडी अटैच है ये ट्रेकर, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे चेक लाइव ट्रेकर, तो आने वाले टाइम में भी आप आपके ट्रेड्स को चेक करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर ट्रेड पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको कंडीशन थ्री में जो है वो आपको टारगेट नहीं आता, यहाँ पर जैसे कि आपको मेंशन है कि एक लॉट के अकॉर्डिंग इस दिन टारगेट नहीं था 325 पे मार्केट रेट पे एग्जिट के, ठीक, तो आप 325 पे जो भी मार्केट रेट है उस पर आप एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर आपको हमेशा जो भी ट्रेड टेकर में रिजल्ट दिखेगा वो एक लॉट के अकॉर्डिंग दिखेगा, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल सॉरी क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, जो आप क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं ठीक, उसका 50% आपको 100 पे आपको एग्जिट करना है कंडीशन थ्री के केस में, और रिमेनिंग 100 सॉरी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आपको कहाँ तक चलने देना है, 315 पे और 325 पे। यदि आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो 315 और ऑप्शन में कर रहे हैं तो 325,
लेकिन यदि कंडीशन वन की बात करें, कंडीशन टू की बात करें, तो इसमें प्रॉपर आपको टारगेट होगा, जो टारगेट है उस टारगेट पे आप एग्जिट करेंगे। अभी अपन 4 दिसंबर की बात कर रहे थे, 4 दिसंबर पे अपना फ्यूचर में बाय का ट्रेड एग्जिट हुआ, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में ट्रेड एग्जिट हुआ, ऑप्शन में 48,000 का, 48,800 का जो अपना कॉल ऑप्शन आया था उसमें अपन किस में काम करेंगे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे, सॉरी 45,800 का। तो 45,800 का जो कॉल ऑप्शन था उसका मंथली कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट ओपन करके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई चेक किया और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो चेक किया, हाई के 1 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस किया, लो के 1 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया, और जो एंट्री था उसमें अपन ने क्या किया, उसमें अपन ने टारगेट को ऐड किया। टारगेट ऐड करने के बाद अपन ने एक जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर दिया, एंट्री टारगेट एसएल जीटीटी ऑर्डर में तीनों प्लेस कर सकते हैं, प्लेस करके और रख दिया। ट्रेड एग्जिट होने के बाद टारगेट एसएल के साथ चलने देना है। इसमें कोई आपका प्राइस का ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 50% इस प्राइस पे बुक करना है, रिमेनिंग 50% टाइम टारगेट। इसमें आपको हमेशा एक ही टारगेट मिलेगा कंडीशन वन और टू में, वहां पर आपको एग्जिट करना, ठीक है। तो इसमें आपने जीटीटी ऑर्डर आपने प्लेस करके रख दिया, इसको आपको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये है अपने 4 दिसंबर का रिजल्ट, तो जो अभी अपन ने चेक किया। तो 4 दिसंबर में आपको कॉल ऑप्शन में ट्रेड आया था, लेकिन कभी सी और पी दोनों लेकर आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, दोनों के फर्स्ट कैंडल का हाई जिसका पहले ब्रेक होगा उसमें आप काम करेंगे। तो यहाँ पर अभी अपन ने क्या क्या डिस्कस किया कि ट्रेड जनरेट होता है तो काम किस प्रकार करना होता है, ठीक है। जो कंडीशन वन में ट्रेड आया था उसमें अपन ने काम किया कि फ्यूचर का ये ट्रेड है और ऑप्शन का ये ट्रेड है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है फ्यूचर में काम, सॉरी ऑप्शन में काम करने के लिए, ऑप्शन में मंथली कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है, जो फर्स्ट 15 मिनट का इनका कैंडल है उसके हाई के 1 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर होता है, लो के नीचे का स्टॉप लॉस होता है। ट्रेड एग्जिट होने के बाद अपन क्या करेंगे, लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख देंगे, जो टारगेट में देखा है टारगेट ऐड कर देंगे अपन एंट्री प्राइस में, इस प्रकार काम करेंगे। एक और अपन ने रूल डिस्कस किया कि कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन दिया है बट फ्यूचर में सेल का ऑर्डर एग्जिट हो गया, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में फिर अवॉइड कर देना है। यदि यहाँ पर आपने देखा है कि फ्यूचर में हमेशा दो ऑर्डर आते हैं, तो फ्यूचर में सेल का ऑर्डर एग्जिट हो गया और ऑप्शन, जैसे अभी अभी भी हुआ था, ये 2 दिन पहले ही हुआ था, अभी अपन बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 जनवरी को और इसको 5 जनवरी का, इसका भी अपन अभी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन में यहाँ पर एंट्री नॉट ट्रिगर्ड लिखा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ, तो ऑप्शन में जो स्ट्राइक प्राइस आई थी उसमें ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ, फ्यूचर में ट्रेड एग्जिट हुआ। तो फ्यूचर का, तो जो ट्रेडर आप सब में से यदि आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में करते हैं और फ्यूचर में ट्रेड एग्जिट होगा, तो फ्यूचर के ट्रेड को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो मेंशन है, इस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन चार्ट के फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो ही आप उसमें एंट्री लेंगे, जैसा 3rd और 5th जनवरी को हुआ कि फ्यूचर में ट्रेड एग्जिट हुआ बट ऑप्शन में नहीं हुआ, तो ऑप्शन में अपन ने अपॉइड कर दिया। आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल आप करिए रूल के अकॉर्डिंग, फ्यूचर में आप सबको पता है कि ये सेल ऑर्डर एग्जिट होगा तो बाय ऑर्डर स्टॉप लॉस बन जाएगा, ये टारगेट रहेगा, कभी बाय ऑर्डर पहले एग्जिट होगा तो ये टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट और एसएल दोनों नहीं आए तो अपन 3:15 पे मार्केट पे एग्जिट कर लेंगे। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, इसके ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, ये रूल, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट डे का भी चेक करते हैं जिससे आपको थोड़ा, और अब पहले अपन एक कंडीशन थ्री का चेक कर लेते हैं, तो कंडीशन थ्री में किस प्रकार ट्रेड आता है इसी का अपन चेक कर लेते हैं, इसी का 1 जनवरी का। तो कंडीशन थ्री में किस प्रकार ट्रेड आता है और कंडीशन थ्री में जो टारगेट नहीं रहेगा तो आपको किस प्रकार, क्योंकि कंडीशन थ्री में टारगेट का बॉक्स भी नहीं है, टारगेट नहीं आता, अपन दिसंबर के भी और चेक करेंगे। सबसे पहले अपन जो ट्रेड है कंडीशन थ्री में आता है तो किस प्रकार करते हैं वो अपन चेक कर लेते हैं। आपको कंडीशन वन और टू का रूल तो समझ में आ गया होगा कि कंडीशन वन और टू में टारगेट आए, जैसा आपको कंडीशन वन में लिखा है कभी कंडीशन टू में ट्रेड होगा तब भी आपको सेम रहेगा, टारगेट लिखा होगा यहाँ पर, एक इंस्ट्रक्शन लिखा होगा यहाँ, फ्यूचर का टारगेट लिखा होगा, ओके। और कंडीशन जो थ्री है उसका थोड़ा रूल अलग होता है, वो अभी अपन चेक कर रहे हैं। कंडीशन थ्री में आपको टारगेट नहीं आता, यहाँ कभी कभी आपको सी बी दोनों आ जाते हैं, लेकिन कंडीशन वन में हमेशा एक ही ऑप्शन का टाइप आएगा, सी आएगा या पी आएगा, ठीक है। तो अभी अपन कंडीशन थ्री का एक केस चेक कर लेते हैं जिससे सी और पी दोनों आते हैं तो आपको ऑर्डर किस प्रकार प्लेस करना होता है, वो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अभी अपन 1 जनवरी का चेक कर लेते हैं। देखिए 1 जनवरी को फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज अपन एंटर करेंगे, किसमें अपन एंटर करेंगे, इस बैंक निफ्टी टीडीएम प्रो एक्सेल में एंटर करने के लिए जो पहले से वैल्यूज लिखी है उनको डिलीट कर देंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कंडीशन थ्री में किस प्रकार अपन काम करते हैं, ओके। मयंक जी आपने, हाँ मैं रिवाइज करवा दूंगा ऑप्शन का एंट्री,
आपने जो क्वेश्चन किया है ऑप्शन में एंट्री का रूल रिवाइज करने के लिए, अभी अपन इसका भी एग्जांपल देखते हैं तो अब पता चलेगा कि क्या एंट्री रूल होता है ऑप्शन में, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 1 जनवरी के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई आपको दिख रहा होगा 625.05 है, और जो ओपन है वो 580 है, लो है 431.45, क्लोज है 48,472.35, एंड ATMA का वैल्यू है 48,585.89। ये वैल्यूज जो है इंटर करते हैं, ये वैल्यूज इस बैंक निफ्टी एक्सेल में इंटर करने के बाद अपने लिए पता चलेगा कंडीशन 3 है या कंडीशन 1 है। तो ये वैल्यूज में इंटर कर, जैसा कि मैंने बताया कि यदि अपन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अभी ट्रेड चेक करें तो अपने लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना होगा एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे, राइट। दिसंबर से जनवरी में जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ कि ट्रेडिंग व्यू का ही अपना चार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए तो अपन क्या करेंगे, एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज पे क्लिक करेंगे, तो जो अभी अपन वैल्यूज देखेंगे वो एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने के बाद अपने लिए वैल्यूज देखेंगे। क्यों? क्योंकि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का अपन चेक वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक किया, इसकी जो वैल्यूज दिख रही है वो मैं एंटर करता हूँ, 45,580, सॉरी 48 है, 48,580 हाई है, 48,625.05, लो है 48,431.45 एंड क्लोज था 48,472.35। एक बार चेक कर लेते हैं ये जो वैल्यूज इंटर की करेक्ट है नहीं। ओपन 580 बिल्कुल करेक्ट है, हाई भी करेक्ट है 625.05, लो भी करेक्ट है 431.45, क्लोज भी करेक्ट है 48,472.35, एंड ATME के वैल्यू है 48,549.25, 48,549.25। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर करने के बाद हमेशा अपन स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करते हैं। स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करने के बाद कंडीशन 3 है, कंडीशन 3 है तो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, टुडे यू शुड वेट एंड गो बैक टू स्टेप 1 एंड इनपुट नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल डेटा फ्रॉम 9:30 to 9:45। ओके, तो सेकेंड 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पर इंटर करेंगे। सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर करने के बाद जो अपना ट्रेड रहेगा वो अपन चेक करेंगे कि है या नहीं, और है तो किस प्रकार काम करना है, तभी अपन सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करते हैं। सेकेंड कैंडल मीन्स 9:30 वाला कैंडल, इसके वैल्यूज अपन एंटर करेंगे। ओके, तो मैंने 9:30 वाले कैंडल पे अभी क्लिक कर रखा है, आपको दिख रहा होगा 9:30 वाले कैंडल का ओपन है 48,465। ओके, ये अपन एंटर करते हैं 48,465। ओके, 48,465 के बाद अपन क्या एंटर करेंगे, हाई एंटर करेंगे। फर्स्ट सॉरी सेकेंड 15 मिनट कैंडल का हाई था 48,531.85, 48,531.85। सेकेंड 15 मिनट कैंडल का लो है 48,450, 48,450 एंड क्लोज है 48,466.40, 48,466.40। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर करने के बाद सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यू भी इंटर किए, और सेकंड कैंडल की जो वैल्यू है वो भी बिल्कुल करेक्ट इंटर किए, 465 ओपन था, 531.85 हाई था, लो भी करेक्ट इंटर किया 450, और क्लोज भी करेक्ट इंटर किया 466.40। सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यू इंटर करने के बाद गो टू कंडीशन 3 टैब, कंडीशन 3 पे अपन चाहेंगे, और कंडीशन 3 में इस दिन ट्रेड दिया था, इससे पहले अभी अपन ने चेक किया था 1 दिसंबर का, 1 दिसंबर को अपने लिए कंडीशन 3 आया था बट उस दिन सीट ब्लैंक था। जैसा कि मैंने बताया जब भी कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक होता है तो क्या करना होता है, अपने लिए ट्रेड को अवॉइड करना होता है, लेकिन 1 जनवरी को कंडीशन 3 थी बट कंडीशन 3 में ट्रेड था, तो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जिसमें कोडेड है उसने आइडेंटिफाई किया 9:45 पे कि नहीं ट्रेड कर सकते, उसने आपको अवॉइड नहीं कर पाई, मीन्स उसने ट्रेड आपको दे दिया लेकिन 1 दिसंबर को अवॉइड करवा दिया था। तो जब सीट ब्लैंक रहेगा तो आप अवॉइड कर देंगे, और जब सीट में ट्रेड है तो आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेड है इसको अपन फॉलो करेंगे,
यहाँ पर एंट्री प्राइस जो दी है वो फ्यूचर की है, ये है ऑप्शन का। तो हमेशा ऊपर वाला पोर्शन फ्यूचर ट्रेडर के लिए है, नीचे वाला पोर्शन ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ठीक है, आप ऑप्शन में करते हैं तो आप इस स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे 48,500 की। यहाँ पर जो यू नीड टू फॉलो है वो यू नीड टू फॉलो सी एंड पी दोनों है, पी हाइड है। नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नीचे क्या लिखा है, ओपन ए सी एंड पी 15 मिनट चार्ट विद स्ट्राइक प्राइस मेंशन है अब 48,500 की। जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर मेंशन है इसके ऑप्शन के पुट ऑप्शन का है के भी फर्स्ट कैंडल का हाई है वो देखना है आपको, और कॉल ऑप्शन के भी फर्स्ट कैंडल का हाई देखना है। क्योंकि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन मेंशन है ऑप्शन में हमेशा ही अपन फॉलो करते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या मेंशन है, ओपन ए सी एंड पी 15 मिनट चार्ट। तो आपको 48,500 के कॉल ऑप्शन के फर्स्ट कैंडल का हाई भी देखना है ऑप्शन चार्ट में जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा, और 48,500 के पुट ऑप्शन के फर्स्ट कैंडल का हाई भी देखना है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपके दिख जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन चार्ट ओपन नहीं होता, ऑप्शन चार्ट आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ओपन करना रहेगा। तो 48,500 के कॉल ऑप्शन और फर्स्ट कैंडल, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के फर्स्ट कैंडल का अपन ने हाई देखा, जो हाई था हाई के 1 पॉइंट ऊपर अपन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, हाई के 1 पॉइंट ऊपर का एंट्री रहेगा, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। सी और पी दोनों के फर्स्ट कैंडल का हाई अपन ने चेक किया है और उन दोनों के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री प्राइस रखा है। जिसका हाई पहले ब्रेक होगा उसमें अपन ट्रेड लेंगे, अपोजिट वाले को अपन अवॉइड कर देंगे। ठीक, तो इस दिन की बात करें फर्स्ट ऑफ जनवरी की, तो फर्स्ट ऑफ जनवरी को फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के पुट ऑप्शन का हाई पहले ब्रेक नहीं हुआ था। पुट ऑप्शन का जो फर्स्ट कैंडल का हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ तो उसको अपन ने अवॉइड कर दिया और कॉल ऑप्शन में एंट्री ली। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो हाई है वो इस दिन ब्रेक हुआ था। तो इस दिन की यदि अपन बात करें तो 48,500 के आपको वीकली कॉन्टेक्ट में नहीं लेना, जैसा कि मैंने बताया इस वाली स्ट्रेटजी में अपन मंथली कॉन्टेक्ट में काम करते हैं। 48,500 के कॉल ऑप्शन का जो फर्स्ट कैंडल का हाई था वो हाई के 1 पॉइंट ऊपर अपन ने बाय का ऑर्डर प्लेस किया था। 792 का हाई था, उसके 1 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस किया, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। कंडीशन 3 थी इसलिए इसमें अपन ने कोई प्राइस का टारगेट नहीं रखा, एक ही लॉट में करें। आप मल्टीपल लॉट में करें तो जो मैंने रूल बताया वो आप फॉलो कर सकते हैं, बट मिनिमम 10,000 के अकॉर्डिंग हम इसको मेंटेन करते हैं। एक लॉट में काम करने के लिए आपका अप्रोक्सीमेट उसी के आसपास का कैपिटल लगेगा। यदि अपन इस दिन की भी बात करें तो 792 का आपका प्राइस था, तो आपका 11,800 के आसपास का कैपिटल लगा था। तो रूल क्या बोलता है, फर्स्ट कैंडल के हाई के 1 पॉइंट ऊपर अपन ने बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया, ट्रेड एग्जिट होने के बाद अपन चलने देंगे। और कब एग्जिट करेंगे, आपको हमेशा जो एग्जिट करना है वो आपको टाइम के टारगेट पे बुक करना है। जैसा कि मैंने बताया इसमें प्राइस का टारगेट नहीं आएगा, आपको ये कंडीशन 1 और 2 देखने के बाद भी आपको पता चला होगा कि कंडीशन 1 में टारगेट का बॉक्स होता है, फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी, कंडीशन 2 में भी होता है और कंडीशन 1 में भी होता है, लेकिन कंडीशन 3 में आपको टारगेट का बॉक्स नहीं दिखेगा। तो टारगेट का बॉक्स नहीं दिखेगा तो आप टाइम का टारगेट आप फॉलो करें, इस प्रकार फॉलो करें तो ये आपको आएगा। देखिए इससे पहले अपन ने कंडीशन 1 में चेक किया था तो वहां पर आपको सिर्फ सी ही लिखा था। फ्यूचर में 2 थे ऑर्डर, एक बाय का ऑर्डर और एक सेल का ऑर्डर। दोनों में से जो पहले एग्जिट होता है उसमें अपन ट्रेड लेते हैं, अपोजिट वाला स्टॉप लॉस बन जाता है, नीचे टारगेट दिया होता है। यहाँ पर भी कंडीशन 3 में भी फ्यूचर में 2 ऑर्डर होते हैं, जो पहले एग्जिट होता है वो ट्रेड बन जाता है, अपोजिट वाला स्टॉप लॉस बन जाता है और टाइम टारगेट पे फॉलो करते हैं। लेकिन यदि अपन बात करें इसकी कंडीशन 1 में ऑप्शन की, कंडीशन 1 और 2 में, तो यहाँ ऑप्शन का सिर्फ एक टाइप आता है, लेकिन कंडीशन 3 में इस दिन अपने लिए ऑप्शन के 2 टाइप थे, सीई और पी। तो जब भी सीई और पी आएगा तो जो पहले एग्जिट होगा उसको आप फॉलो करेंगे। कभी ऐसा भी होगा कंडीशन 3 में सिर्फ एक ऑप्शन का टाइप होगा, या तो सीई होगा सिर्फ या पी होगा। तो जब भी सी या पी होगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ सी और पी लिखा होगा, यहाँ कभी ऐसा नहीं लिखा होगा यू नीड टू फॉलो। यू नीड टू फॉलो आपको तभी आएगा जब सी और पी दोनों होंगे। तो कभी सी है तो आप 48,500 के फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे, हाई के 1 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर, लो के नीचे का सेल और टाइम का टारगेट कंडीशन 3 में। यदि फॉर एग्जाम्पल इसकी यदि अपन बात करें जो कंडीशन 3 है जिसमें दोनों, तो आप क्या करेंगे, दोनों के फर्स्ट कैंडल का हाई आप देखेंगे जब 9:30 पे आपको, सॉरी 9:45 पे मिलेगा कंडीशन 3 में, 9:45 पे ट्रेड मिला है। आप क्या करेंगे, आप आपकी वॉच लिस्ट में 48,500 के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, फिर उनके दोनों के फर्स्ट कैंडल का हाई देख के और हाई के 1 पॉइंट ऊपर का प्राइस नोट कर लेंगे। प्राइस नोट करने के बाद जैसे ही वो प्राइस आती है उस पर आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लो के नीचे का सेल और टाइम का टारगेट आप लगा देंगे, इस प्रकार आप फॉलो करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को।
ओके, तो कंडीशन थ्री में ट्रेड आता है तो किस प्रकार काम करते हैं? आई होप अभी आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन थ्री में यदि दोनों स्ट्राइक प्राइस, सॉरी दोनों ऑप्शन टाइप मेंशन है, मतलब जो अपना स्ट्राइक प्राइस आया है उस स्ट्राइक प्राइस में दोनों स्ट्राइक प्राइस, सॉरी दोनों ऑप्शन टाइप का बोला है, तो दोनों ऑप्शन टाइप के फर्स्ट कैंडल का हाई आप चेक करें। स्ट्राइक प्राइस एक ही रहेगी, बट कभी कभी जैसे इस दिन अपन देख रहे हैं दो अपने ऑप्शन टाइप आए थे, तो कभी कभी दो ऑप्शन टाइप आते हैं, तो दोनों में से जिसमें पहले एंट्री मिलेगी उसको आप फॉलो करें। ठीक है, तो आपको ये आ सकता है कंडीशन थ्री में आने वाले टाइम में, क्योंकि एवरी मंथ 22 ट्रेडिंग डेज में से 8 to 12 डेज ये ट्रेड जनरेट करती है। जब इसमें ट्रेड आता है उसमें से 4 to 5 डेज आपके ऐसे होंगे जब कंडीशन वन या टू होगी, रिमेनिंग डेज में आपको कंडीशन थ्री आएगी। कंडीशन थ्री में से आप क्या करेंगे, सेकंड कैंडल की वैल्यू एंटर करेंगे, और सेकंड कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद इस प्रकार आपको ट्रेड मिला है, दोनों ऑप्शन टाइप है, तो दोनों में जिसका पहले हाई ब्रेक होगा उसमें काम करेंगे। एक ही ऑप्शन टाइप है तो जो एक ऑप्शन टाइप है उसके फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हो जाएगा, तो आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लो के नीचे का सेल और टाइम का टारगेट लगाएंगे आप इसमें। कंडीशन वन और टू में तो हमेशा प्राइस का टारगेट आएगा, तो इस प्रकार अपन काम करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन थ्री में किस प्रकार ट्रेड आते हैं अपन कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कंडीशन वन आएगा। तो कंडीशन वन में यदि टारगेट कुछ डिफरेंट आता है तो वो भी आपको पता चला। कंडीशन टू का और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक है, जिससे और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि ऑप्शन में आप काम करें तो इस इंस्ट्रक्शन को अलग अलग होगा, हो सकता है कंडीशन टू में आया है तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ और अलग है, कंडीशन वन में आया है तो अलग है, कंडीशन थ्री में आया है तो अलग है, लेकिन आपको हमेशा ऑप्शन में काम करने के लिए इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो नीचे दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कि सी है या पी है। वैसे मैंने आपको बता दिया कंडीशन थ्री में आपको सी पी दोनों आ सकता है, कंडीशन में एक ही आएगा, बट फिर भी आपको हमेशा इस इंस्ट्रक्शन को रीड करने की हैबिट डालनी है। जब भी आपका ट्रेड आए इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ही आप ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके अमिता जी, कंडीशन थ्री में वन लॉट करना है। नहीं, आप देख क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, आप सबका कैपिटल अलग अलग है, ठीक है, जो आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, बट आपको ये मिनिमम एक लॉट में कर रहे हैं आप तो आपको टाइम का टारगेट लगाना है, तो आपको प्राइस का टारगेट नहीं लगाना। रूल क्या बोलता है कि 315 पे आपको मार्केट रेट पे एग्जिट करना है, एग्जिट एट 315। तो कंडीशन थ्री में आपको कभी भी टारगेट नहीं आएगा, राइट, टाइम का टारगेट अपन लगाना। तो यहाँ पर आपको इसीलिए इस दिन का भी आप देखेंगे तो इस दिन का भी आपको अपन जिस दिन का देख 1 जनवरी का चेक करें, ट्रेड एग्जिट होने के बाद काफी ऊपर गए, ट्रेड एग्जिट होने के बाद यदि अपन बात देखें तो यहाँ पर काफी ऊपर गया है, अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट ऊपर गया है, बट फिर भी अपन ने बुक क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें अपन जो ट्रेड टेकर हम मेंटेन करते हैं वो एक लॉट के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। ठीक है, आपका कैपिटल एक्स्ट्रा है, आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो कर सकते हैं, जो मैंने रूल बताया मल्टीपल लॉट के अकॉर्डिंग एग्जिट करने का वो आप फॉलो कर सकते हैं, बट रूल क्या बोलता है कंडीशन थ्री में कि आपको टाइम टारगेट पे एग्जिट करना है। तो इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो अपना ट्रेड एग्जिट हुआ था वो 300 के माइनस में एग्जिट हुआ था, एग्जिट हुआ था, राइट, तो यहाँ पर 300 यानी कि 20 पॉइंट का लॉस था आपने भी, वहां पर अपन एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो इस मंथ में जो ट्रेड्स आए इनका यहाँ, तो आप आने वाले टाइम में भी जो भी ट्रेड्स आएंगे इनका आप उनका ट्रेड टेकर यहाँ पर मेंशन रहेगा, आप आपके आने वाले जो ट्रेड्स हैं वो भी आप चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी एक्सेल स्टडी का या निफ्टी जैकपॉट स्टडी का, दोनों ट्रेड टेकर आपको इस शीट मिल जाएंगे। निफ्टी के जैकपॉट वाले एक्सेल में आप देखेंगे उसमें भी आपको जो ट्रेड टेकर की लिंक देखेगी उस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ट्रेड टेकर आपको दिख जाएंगे। तो जो भी ट्रेड्स आते हैं, ठीक है, उन ट्रेड्स के जो भी रिजल्ट हैं वो आप आपके रिजल्ट को हमारे ट्रेड टेकर से चेक करना चाहते हैं इसमें चेक कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी के डेली के ट्रेड्स यहाँ अपडेट होते जाते हैं। ठीक है, एवरी मंथ गोल अपना क्या है, गोल अपना ये है कि जो आप कैपिटल यूज कर रहे हैं उस कैपिटल का आपको अप्रोक्सीमेट 50% का आरओआई मिल जाए, और वो 50% का है, मीन्स इसमें यदि अपन बात करें तो जो भी ट्रेड्स आ रहे हैं कम ट्रेड देगी बट अच्छे देगी, तो जो भी ट्रेड्स आपको आ रहे हैं जो अपनी इसमें एक्सपेक्टेशन है कि 10,000 का अपन कैपिटल लगा रहे हैं तो मोर देन 50% का अपना आरओआई जाए। तो पिछले मंथ भी 56% का आरओआई था, इस मंथ तो अभी ओनली 5 ट्रेडिंग डेज हुए हैं, इस मंथ भी आने वाले टाइम में ये जो अपना रिटर्न है इस स्ट्रेटजी का 10,000 के कैपिटल पे मोर देन 5,000 इजीली हो जाएगा, तो मोर देन 50% इस मंथ में भी हो जाएगा, 20% तो अभी हो चुका है। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, ठीक है, जो रूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद भी आपका रिजल्ट कभी नेगेटिव आ रहा है तो आप हो सकता है कोई मिस्टेक कर रहे हो, आपको कभी कंफर्म करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको एक्सेल को, ये जो ट्रेड टिकर का एक्सेल, इसको हमने इसी में अटैच कर दिया जिससे आप आपके ट्रेड्स को चेक कर पाए।
राइट, काफी सारे स्टूडेंट जो बिजी रहते हैं वो पूछ मीन्स उनके कुछ ट्रेड्स में कुछ मिस्टेक हो रही है, तो बिजी शेड्यूल के कारण पूछ नहीं पाते थे और कभी वो गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते, इसलिए आपकी कुछ मिस्टेक्स हो रही है। आपने जैसे मान लीजिए आने वाले वीक काम किया और आने वाले वीक के जो 5 ट्रेडिंग डेज के 5 ट्रेड्स हैं उनको आप चेक करना चाहते हैं हमारे ट्रेड्स है, तो जस्ट आप इस चेक ट्रेकर पे क्लिक करके और आपके ट्रेड्स का रिजल्ट हमारे ट्रेड्स से आप मैच कर सकते हैं। आपको यदि लगता है कि आपके ट्रेड्स अलग है और ट्रेड टेकर में है तो आपके जो ट्रेड्स हैं उनको आप कंफर्म करवा सकते हैं, अलग से भी सेपरेटली कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी आपकी कुछ मिस्टेक होगी, आप कुछ वैल्यूज गलत एंटर कर रहे होंगे या कुछ और मिस्टेक कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसमें ट्रेड करना है, कंडीशन वन में आता है तो कंडीशन वन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, टू में आएगा तो टू के इंस्ट्रक्शन को, कंडीशन थ्री आएगा तो थ्री के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। और इसमें मिनिमम अपना 10,000 का कैपिटल लगेगा आपका अप्रोक्सीमेट, कभी 600 की प्रीमियम है तो 9,000 भी लगेगा, कभी ऐसे अपन ने देखा कि एक दिन 11,800 भी लगेगा, अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास का लगेगा। अमित जी जो आपने बोला है 100 पॉइंट वाला, तो ये जो टारगेट है वो आपका मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं, तो उसका लेकिन टाइम का एक ही लॉट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या रूल फॉलो करना है टाइम का टारगेट लगा, लेकिन यदि आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, 50% क्वांटिटी आप 100 पॉइंट पे एग्जिट करके रिमेनिंग 50% के लिए आपको टाइम का टारगेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये इसी इसके अलावा अपन कुछ एक और नेक्स्ट डे का भी अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन थ्री में एक और, तो यहाँ पर अपन ने फर्स्ट ऑफ जनवरी का चेक कर लिया, फर्स्ट ऑफ जनवरी के बाद सेकंड जनवरी का भी अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड जनवरी का जो ट्रेड था, कुछ और चेक करने से आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और आप सबके और भी डाउट्स हो तो वो भी आप ऐसा कर सकते हैं, चैट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं, वन बाय वन में आप सबके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब अभी अपन सेकेंड जनवरी का अपन चेक कर रहे हैं। सुशील जी, आपका जो क्वेश्चन है एक्सपायरी का, वो मंथली एक्सपायरी का मैंने बोला था, क्यों इस स्ट्रेटजी में आपको हमेशा क्या करना है, मंथली एक्सपायरी में काम करना है। इससे पहले जो अपन ने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी प्रीवियस संडे को, उस स्ट्रेटजी को मैंने बताया था, उस स्ट्रेटजी में एक्सपायरी सेलेक्ट करने का अलग रूल बताया था, आपको एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है और अदर 3 ट्रेडिंग डेज आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है वो भी अपन ने डिस्कस किया था। बट इस स्ट्रेटजी में, क्योंकि उस स्ट्रेटजी में अपना जो स्ट्राइक प्राइस है वो फिक्स है, राइट, उस स्ट्रेटजी में अपन उस स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं जिसकी प्रीमियम 600 के आसपास चलती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 9,000 का एक लॉट में कैपिटल लगता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी में आपको हमेशा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है, बट कैपिटल आपका उतना ही लगेगा, अप्रोक्सीमेट आपका जो कैपिटल है वो ही 10,000 के आसपास ही लगेगा, बट इसका जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला एक्सेल में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड टेकर हम मेंटेन करते हैं वो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आप सबको भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में इसमें काम करना। ठीक है, सेकेंड जनवरी का अपन चेक करते हैं। देखिए सेकेंड जनवरी का अपन चेक कर रहे हैं, चार्ट सेटिंग बिल्कुल करेक्ट है, एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज लिख रहे हैं, सेट कर रखा है, सब कुछ करेक्ट है, सेम आपको जो वैल्यूज है वो इस एक्सेल में एंटर करना है। तो मैंने अभी फर्स्ट कैंडल पे क्लिक किया है, फर्स्ट कैंडल पे क्लिक करने के बाद ओपन हाई लो क्लोज एटीएमए की वैल्यूज में एंटर करता हूँ, सेकंड जनवरी का ट्रेड में चेक करो, तो ओपन जो था वो था 375, हाई था 489.95, लो था 346.20 एंड क्लोज था 437.25, ये एंटर करते हैं, फिर इसके बाद एटीएमए की वैल्यू 48375, हाई था 48489.95 एंड लो है 48346.20, 48346.20 एंड क्लोज था 48437.25, ये जो वैल्यूज हैं इंटर की हैं वो करेक्ट हैं नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, ओपन बिल्कुल करेक्ट इंटर किया है 48375, हाई भी बिल्कुल करेक्ट है 48489.95, लो भी करेक्ट है 346.20, क्लोज भी करेक्ट है 48437.25 एंड एटीएमए का वैल्यू ओपन इंटर करते हैं 48556.39, 556.39, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर की। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर करने के बाद हमेशा अपन क्या करते हैं, हमेशा अपन फर्स्ट कैंडल की वैल्यू इंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करते हैं। स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करने के बाद अपन चेक करते हैं कि किस कंडीशन के सामने अपने लिए ट्रेड आया है। ठीक है, तो जिस कंडीशन के सामने अपना ट्रेड होगा उस कंडीशन को अपन फॉलो करेंगे, तो जिस कंडीशन में भी देखिए स्टेप वन में
फर्स्ट कैंडल की वैल्यूज इंटर की। इंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन टू आया, नीचे कंडीशन वन टू थ्री मेंशन है। कंडीशन टू पे क्लिक किया तो ये ट्रेड था, ये फ्यूचर ट्रेडर के लिए है, नीचे ऑप्शन ट्रेडर के लिए। तो 2 जनवरी को क्या ट्रेड आया, 48,400 की स्ट्राइक प्राइस का पीई आया। फ्यूचर में दो ऑर्डर थे, एक बाय ऑर्डर एक सेल ऑर्डर। फ्यूचर में सेल ऑर्डर पहले एग्जिट हुआ तो ये स्टॉप लॉस बन जाएगा, ये टारगेट बन जाएगा, सॉरी ये वाला टारगेट बन जाएगा, नीचे ले मेंशन है अल्टरनेट टारगेट इफ सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड। तो यहाँ पर ये सेल ऑर्डर पहले एग्जिट हुआ तो ये टारगेट बन गया, ये स्टॉप लॉस बन गया, और यदि टारगेट और एसएल नहीं आएगा तो 315 पे मार्केट एट पे एग्जिट करेंगे। ऑप्शन में ट्रेड दिया है पी का। कभी ऐसा हुआ इस दिन पी में ही ट्रेड एग्जिट हुआ और अपना टारगेट भी आया, बट ऐसा हो जाता है कि बाय ऑर्डर आता और तो ये सेल ऑर्डर स्टॉप लॉस बन जाता और बाय ऑर्डर का ये टारगेट हो जाता, तो ऑप्शन के ट्रेड को अपन अवॉइड कर देते। यदि ट्रेड आया और एंट्री प्राइस नहीं आई तो अवॉइड कर देंगे, लेकिन इस दिन ट्रेड में एंट्री मिल गई थी क्योंकि अपन ने एंट्री प्लेस की थी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर। इस इंस्ट्रक्शन को हमेशा अपन फॉलो करते हैं। ओपन ए 15 मिनट चार्ट ऑफ पी स्ट्राइक प्राइस मेंशन अबव एंड प्लेस ए बाय ऑर्डर एट दी हाई ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। तो 48,400 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट का आपको पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन करना है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट के पुट ऑप्शन का जो हाई है फर्स्ट कैंडल का, उस हाई का आपको प्राइस देखना है। हाई के एक पॉइंट ऊपर आपको बाय का ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, और लो के नीचे का स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है। ट्रेड एग्जिट होने के बाद आपको क्या करना है, जो एंट्री प्राइस था उस एंट्री प्राइस में आप टारगेट ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया था अभी अपन प्रीवियस ट्रेड को चेक कर रहे थे तब भी, कि ये आपका प्राइस का टारगेट है, ये प्रीमियम का टारगेट नहीं, ठीक है। आप सबको देख रहा है टारगेट क्या आ गया, पॉइंट्स लिखा है 1 मिनट से, इसको देखने के बाद ही समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट्स का टारगेट है, ये प्रीमियम का टारगेट नहीं। क्योंकि यदि आप फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का इस दिन का हाई देखेंगे तो इस दिन के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई 782 का था, इसलिए अपन ने 783 पे ऑर्डर प्लेस किया था। तो 783 पे अपन ने बाय का ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट का 48,400 के पी का जो हाई था 782 था, 783 पे अपन ने बाय का ऑर्डर प्लेस किया था, 157 अपन ने टारगेट में हिट किए थे, 940 का अपना टारगेट हो गया था और अपन एक लॉट में वो 2,300 के प्रॉफिट में अपन एग्जिट हुए से। तो इस दिन अपना पुट ऑप्शन का ट्रेड एग्जिट हुआ था। फ्यूचर में आप करें तो सेल का ट्रेड एग्जिट हुआ था, तो सेल में जो टारगेट आता है उस टारगेट को अपन फॉलो करें। तो इस प्रकार अपन काम करते हैं। तो अपन ने कंडीशन वन भी देख ली, एक एग्जाम्पल कंडीशन वन का चेक कर लिया, दो एग्जाम्पल कंडीशन थ्री के भी चेक कर लिए, एक एग्जाम्पल ये कंडीशन टू का भी चेक कर लिया। तो इस 2 जनवरी का भी अपन ने चेक कर लिया कि 2 जनवरी का जो ट्रेड था वो कंडीशन टू में आया था और ये इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस प्रकार तो ये ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको ये रूल को फॉलो करना है जो अभी अपन ने डिस्कस की। फ्यूचर में आप काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको आप फॉलो करेंगे। और यदि अपन आगे जनवरी के अभी लास्ट के जो ट्रेड्स की बात करें, लास्ट टू ट्रेड के, तो 3 जनवरी को भी ट्रेड था, फ्यूचर में ट्रेड में एंट्री मिल गई थी बट अपने ट्रेड ऑप्शन में नहीं मिली, तो ऑप्शन में अपन अवॉइड कर देंगे। फ्यूचर में आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यदि अपन 4 जनवरी की बात करें, 4 जनवरी को कंडीशन थ्री में सीट ब्लैंक थी तो अपन अवॉइड कर दिया। फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करी, एंटर करने के बाद अपन ने क्या किया, स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक किया। फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर की थी 4 जनवरी को, एंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन थ्री आया था। कंडीशन थ्री में अपन ने यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन मेंशन था उसको फॉलो किया था। सेकेंड कैंडल की वैल्यू एंटर की थी, सेकेंड कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद कंडीशन थ्री में सीट ब्लैंक आई थी तो अपन ने अवॉइड कर दिया, ओके। लेकिन यदि अपन बात करें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की, सॉरी ट्रेकर पे अपन चेक कर रहे थे, हाँ नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की अपन बात करें 4 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग 5 जनवरी का, तो 5 जनवरी को ट्रेड आया था। ट्रेड आने के बाद अपना ऑप्शन में एंट्री नहीं मिला, फ्यूचर में एंट्री हुआ, फ्यूचर में प्रॉफिट में क्लोज हुआ, लेकिन अपना जो ट्रेड है वो अपना किसमें नहीं हुआ, अपना ऑप्शन में ट्रेड में एंट्री नहीं मिली। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में ट्रेड में एंट्री नहीं मिली तो आप अवॉइड कर देंगे। कभी ऐसा हुआ कि ट्रेड आया है बट आप एंट्री नहीं मिली तो आप अवॉइड कर देंगे, मार्केट रेट पे आप एंट्री नहीं लेंगे। अमिता जी आपने मैसेज किया, जो टारगेट पॉइंट्स दिया है उसके बाद भी 315, देखिए टारगेट पॉइंट दिया है और वो टारगेट आ जाता है तो आपको फिर 315 तक होल्ड नहीं करना। जैसा कि मैं बताता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि यदि ये जो टारगेट दिया है 157 पॉइंट्स का ये आ गया, फिर आपको 315 तक होल्ड करना है, नहीं, फिर नहीं करना है। देखो ये प्राइस का जो टारगेट, कंडीशन थ्री में अपन 315 तक होल्ड करते हैं, उसमें अपन टाइम का टारगेट लगाते हैं, लेकिन यदि अपन बात करें टारगेट की कंडीशन वन और टू में, तो यहाँ पर आपको टारगेट का बॉक्स दिया है तो आपको प्रॉपर लिखा होगा कि कितने पॉइंट्स का टारगेट है। ये अपन कंडीशन टू देख रहे हैं, कंडीशन टू में 157 पॉइंट्स का टारगेट,
157 पॉइंट्स का टारगेट था, तो जैसे ही अपना ये टारगेट अचीव हुआ अपन बुक करके एग्जिट हो गए, फिर आपको 315 तक होल्ड नहीं करना। तो ये जो एग्जिट है इसका अपन एग्जिट, जैसे आपको ट्रेड टिकर में भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कि जो एग्जिट है अपना, वो एग्जिट कहाँ पर है, ये अपना अपने इस प्राइस पे एग्जिट प्राइस जो आपकी 940 है, मतलब यहाँ 315 नहीं लिखा, जिसमें 315 लिखा है तो उसमें 315 तक होल्ड किया अपन ने, लेकिन आपको हमेशा जो प्राइस का टारगेट है वो आ गया है, तो आप वो करके एग्जिट हो जाएंगे। तो 157 पॉइंट्स का टारगेट अपना अचीव हो गया था, तो अपन ने इस दिन 315 तक होल्ड नहीं किया अपनी ट्रेड को। तो आपका जो डाउट था कि 315 तक प्राइस का टारगेट दिया है उसके बाद भी होल्ड करना है या नहीं, आई होप वो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्राइस का टारगेट दिया है तो आपको वो प्राइस का टारगेट लगाना है, वो प्राइस का टारगेट नहीं आएगा, टारगेट भी नहीं आया कभी और स्टॉप लॉस भी नहीं आया, तो 315 पे मार्केट रेट पे एग्जिट करना है। लेकिन टारगेट जो प्राइस का दिया है वो आ गया है या टारगेट से पहले कभी एसएल आ गया है, तो वहां पर आप एग्जिट हो जाएंगे। आप 315 तक कंडीशन 1 और 2 में तभी आप होल्ड करेंगे जब आपका टारगेट और एसएल नहीं आए, लेकिन कभी टारगेट भी आ गया और स्टॉप लॉस भी आ गया तो आप क्या करेंगे, आप टारगेट और जो भी पहले आया उस पर एग्जिट हो जाएंगे, और कभी टारगेट एसएल नहीं आया तो आप क्या करेंगे, 315 पे एग्जिट करेंगे। ठीक, तो इस दिन 157 पॉइंट का टारगेट आ गया था, वहां पर अपन एग्जिट हो गए थे। तो आई होप जो आपका डाउट था वो आपका क्लियर हो गया। अमिता जी आपने बोला ये मल्टीपल लॉट पे भी अप्लाई होता है, देखो आप कंडीशन 1 और 2 में जितनी भी लॉट्स में करें, आप मल्टीपल लॉट में करें तब भी आपको प्राइस के टारगेट पे बुक करना है। आपको कंडीशन 1 और 2 में मल्टीपल लॉट में आपको 50% एक प्राइस पे 50% दूसरी प्राइस पे ऐसा नहीं करना, क्योंकि कंडीशन 1 और 2 में आपको हमेशा एक ही प्राइस का टारगेट आएगा। सिर्फ टारगेट और एसएल नहीं आएगा तो अपन 315 तक वेट करेंगे, लेकिन टारगेट और एसएल दोनों में से कोई एक आ जाएगा भाई, तो आपको मल्टीपल लॉट में करना है। कंडीशन 1 और 2 में बिल्कुल कर सकते हैं आप, जितनी भी आप क्वांटिटी में कर रहे हैं आपको हमेशा इस प्राइस के टारगेट पे बुक करना है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन 1 और 2 में भी आप मल्टीपल लॉट में करते हैं तो जो प्राइस का टारगेट है इसी टारगेट पे बुक करना है। जैसे मान लीजिए 2 जनवरी को आपको 10 लॉट में करना था, तो जितने भी आप लॉट्स में कर रहे हैं सारे के सारे 10 लॉट्स को आप क्या करेंगे, 157 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आप एग्जिट कर लेंगे। ओके, तो कंडीशन 1 और 2 में जिसमें आपको प्रॉपर एक प्राइस का टारगेट होता है उसमें आपको जितने भी लॉट्स में कर रहे हैं सेम टारगेट पे आपको लगा देना है, एक जीटी ट्यूटर क्रिएट कर देना, और जीटी ट्यूटर में एंट्री टारगेट एसएल किस प्रकार प्लेस करते हैं वो आपको पता होता है, इस प्रकार करना है। ठीक है, तो आपको टारगेट एसएल और आप एंट्री तीनों एक साथ प्लेस कर दीजिए बस, और छोड़ दीजिए अपने ट्रेड को, अगेन आपको नहीं देखना होगा। दीपांशु जी आपका मैसेज आया है जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, जीटीटी ऑर्डर आ रहा, बहुत मैं आपको बता भी दूंगा अभी कुछ देर से। ठीक है, अपन कुछ ट्रेड चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको जीटीटी ऑर्डर किस प्रकार क्रिएट करते हैं वो मैं बता भी दूंगा, तो आप कर सकते हो। आप जो भी ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं उसमें आप चेक करिएगा जीटीटी ऑर्डर होता है मैक्सिमम ट्रेडिंग अकाउंट्स में है, कुछ ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे हैं जिनमें नहीं होता, तो आप देख लीजिएगा आपके पास जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ऑप्शन में ब्रेकेट ऑर्डर की फैसिलिटी है या नहीं। तो कुछ ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेकेट ऑर्डर की फैसिलिटी होती है, और काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट जिनमें ब्रेकेट ऑर्डर की फैसिलिटी नहीं होती, जिनमें एंट्री टारगेट एसएल तीनों एक साथ नहीं लगा सकते, उन सब में आज की डेट में जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप जीटीटी ऑर्डर में एंट्री टारगेट एसएल तीनों प्लेस कर सकते हैं। तो दीपांशु जी जो आपका क्वेश्चन था जीटीटी ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको अभी अपन ट्रेड जनरेशन सेटअप के जो कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अपन क्लियर कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको जीटी ट्रेडर किस प्रकार क्रिएट करते हैं वो भी बता दूंगा ट्रेडिंग करके। ओके, तो आई होप कंडीशन 1 में जो अपन ने एक ट्रेड का एग्जांपल चेक किया उसमें भी आपको कंडीशन 1 में ट्रेड आता है तो किस प्रकार ट्रेड लेना है वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कंडीशन 2 में आता है तो ये अपन ने कंडीशन 2 का भी देख लिया, कंडीशन 2 में ट्रेड आएगा तो किस प्रकार ट्रेड लगाना है वो भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और कंडीशन 3 में कभी आता है, जैसे अपन ने कंडीशन 3 के 2 एग्जांपल देख लिए, तो आपको किस प्रकार ट्रेड लेना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मोहन बागवी जी आपने बोला है ट्रेडिंग व्यू चार्ट ब्रोकर टर्मिनल पे यूज कर सकते हैं क्या। देखिए कुछ ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे होते हैं मोहन जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा ठीक मैं समझ गया कि आजकल काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसे जरूदा में भी आता है, स्टॉक में भी, और काफी सारे एलआईजी को, बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है वहां पर चार्ट अपन ओपन करते हैं तो चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन करने का आता है। काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ट आईक्यू और ट्रेडिंग व्यू का दोनों ऑप्शन होते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू में भी अपन ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है कुछ, देख मैक्सिमम ट्रेडिंग अकाउंट में है ये फैसिलिटी, बट कुछ कुछ ट्रेडिंग अकाउंट जो अभी न्यू ब्रोकर्स हैं
ठीक है, उनके टर्मिनल में ये वाली फैसिलिटी नहीं है, ये वाली फैसिलिटी नहीं है कि एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आज कुछ कुछ देखो मैक्सिमम ट्रेडिंग अकाउंट में है, बट आप कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं। ठीक है, आने वाले टाइम में भी आप हो सकता है ब्रोकर चेंज करें, जैसे आज अभी जो भी टर्मिनल आप यूज कर रहे हैं ठीक है वो यूज करते हैं, और आज से 6 मंथ बाद आपका ब्रोकिंग अकाउंट चेंज करने का प्लान हो तो आप ब्रोकर चेंज भी करें, तब भी ये जो स्ट्रेटजी है इसके रूल में आपको कोई मॉडिफिकेशन ना करना हो, इसलिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अलग से ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट ओपन करके इसमें आप वैल्यू देख के और फ्यूचर चार्ट में आप ये जो चार्ट सेटिंग मैंने आपको बताई ये सेम चार्ट सेटिंग आप देखने के बाद आप क्या करेंगे, आप ट्रेड देखेंगे और इसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इससे क्या है कि आपको ब्रोकर चेंज करेंगे उस टाइम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, राइट। हो सकता है कुछ ब्रोकर ऐसे हैं उनमें से कोई एक आपका ब्रोकर हो जिसमें एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आज की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, होते हैं एक दो ब्रोकर ऐसे हैं जिनमें जो अभी न्यू स्टार्ट हुए हैं जिनके आप चार्ट पे आप जाएंगे और आप सेम फ्यूचर का चार्ट ओपन करेंगे सिंबल में यहाँ पर सेशन में आपको ये एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आज की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बट ट्रेडिंग व्यू पे ये है। बाकी कुछ ट्रेडिंग अकाउंट जिनमें ट्रेडिंग व्यू की फैसिलिटी है वो आप कर सकते हैं, बट जब आप ब्रोकर चेंज करेंगे इन फ्यूचर तभी हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आए, इससे अच्छे आप 1 मिनट तो लगेगा सेपरेटली आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, जो चार्ट सेटिंग मैंने आपको बताई है चार्ट सेटिंग ओपन करके और आप इसकी वैल्यूज आप बैंक निफ्टी एक्सेल में एंटर करके आप ट्रेड जनरेट कर लीजिए, जिससे आपका भी कितने भी ब्रोकर चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं, जस्ट आपको वैल्यूज इंटर करने के लिए ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है, जो ट्रेड आया है इस एक्सेल ने जो भी ट्रेड दिया है आप वो जिस ट्रेडिंग अकाउंट में भी आप काम करना चाहते हैं उस ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन था कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं कर सकते, कर सकते हैं यदि सेम चार्ट सेटिंग फैसिलिटी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अवेलेबल है तो कर सकते हैं, बट मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप ट्रेडिंग व्यू को सेपरेटली आप यूज करें, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में कभी आपको ब्रोकर चेंज करना है तो उस टाइम पे आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। ठीक है, आजकल यदि आप मींस कहीं बाहर हैं और आप मोबाइल में आपने इस एक्सेल को ओपन कर रखा है और आप मोबाइल में वैल्यूज इंटर करके जनरेट कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप भी आता है, तो आप ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप कभी ट्रेवलिंग में हैं या फिर कहीं बाहर हैं जहाँ आपके पास लैपटॉप नहीं है आप मोबाइल से जनरेट करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में आपने आपकी मेल आईडी लॉगिन कर रखी होगी जो आपने हमें दे रखी है, तो आपने आपकी मेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन कर रखी है तो इस एक्सेल को भी आप मोबाइल में एक्सेस कर पाएंगे, राइट, क्योंकि इसका एक्सेस हमने मेल आईडी से लिंक किया है, तो जिस सिस्टम में भी आपका मेल आईडी लॉगिन है उसमें आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो मोबाइल में भी आपने लॉगिन कर ली इसके बाद आप इसको ओपन करके और ट्रेडिंग व्यू से वैल्यू चेक करके आप इंटर करके और आप ट्रेड जनरेट कर लीजिए, जब ये कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक देता है उस टाइम इससे आप अवॉइड कर दीजिए ट्रेड को। ठीक है, इस फिर कर आप करिए। तो आई होप जो आपका डाउट था कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते हैं या नहीं, तो उसका आंसर तो यह है कि कर सकते हैं, बट आपको चार्ट सेटिंग सेम देखनी रहेगी कि सेम चार्ट सेटिंग है या नहीं, क्योंकि चार्ट सेटिंग का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स है इसमें ATMA की वैल्यू अलग अलग होती है, तो रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स आपने बाय मिस्टेक सेलेक्ट कर लिया तो आपका ATMA का वैल्यू अलग हो जाएगा और आपका ट्रेड जो है वो अलग हो जाएगा। हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि आपने चार्ट सेटिंग में रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट कर लिया और रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट कर लिया उस दिन आपका ट्रेड आया हो और हमने एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स और जो सभी स्टूडेंट जिन्होंने करेक्ट एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट किया उन सबका ट्रेड नहीं आया और आपको गलत ट्रेड आ जाए और आप उसमें एंट्री भी ले लें, तो ये छोटी छोटी बातों का याद रखना है, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो आपको सेम चार्ट सेटिंग आपको यूज़ करनी है जो मैंने आपको बताया, एक्सपायरी के बाद आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जब चेंज होता है तो एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको चेंजेस पे क्लिक कर देना है, बाकी इस रूल को आप फॉलो करिए। बाकी कभी आपको लगता है कि आपके जो ट्रेड्स हैं ठीक है उनको चेक करना है तो जस्ट आपके एक्सेल में जो ट्रे कर दिया है इसको आप ओपन करके और आप आपके ट्रेड्स का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जो भी आप कैपिटल यूज करेंगे उस कैपिटल का एवरी मंथ ईजिली आप जो भी कैपिटल यूज कर रहे हैं उसका मोर देन 50% ROI जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, गोल हमारा वो ही है और हम जो स्ट्रेटजी आपको सिखा रहे हैं उसमें सभी स्टडीज में यही रिकमेंड करते हैं कि जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करें, ऐसा आपको नहीं करना है कि मान लीजिए कल की डेट में कोई ट्रेड आया और उस ट्रेड में आपने एक लॉट में काम किया, उस ट्रेड में हो सकता है आपने 10,000 का कैपिटल लगाया और इसके बाद ट्यूजडे को कोई ट्रेड आया और उस ट्यूजडे को जो ट्रेड आया उसमें आप 1 लाख का कैपिटल यूज करें, जहाँ आप मंडे को एक लॉट में कर रहे थे वहाँ आपने ट्यूसडे को 10 लॉट्स में किया, तो हो सकता है मंडे को आपका जो ट्रेड आया उसमें प्रॉफिट हुआ था बट ट्यूसडे को जो आपका ट्रेड आया उसमें आपने उसमें स्टॉप लॉस हुआ, तो आपने 10 लॉट्स में काम किया था उस दिन आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट अलग हो सकता है, आप ओवरऑल नेगेटिव में हो सकते हैं यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते,
लेकिन यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, डेली बेसिस पे सेम क्वांटिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। जो हमारा गोल है कि आप हमारी स्टडीज पे कितना कैपिटल लगा रहे हो, तो कितना आपको मिल रहा है, जो हम वो करते हैं कि जो आप कैपिटल यूज कर रहे हो, उस कैपिटल पे कितना आपको लगाने से कितना मंथली का इनकम मिल रहा है। तो जो आप कैपिटल हमारी स्टडीज पे यूज कर रहे हो, उस कैपिटल पे आप ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे यदि आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि अभी अपन इस स्ट्रेटजी का चेक कर रहे हैं कि 10,000 अपन ने लगाया प्रीवियस मंथ, 10,000 का कैपिटल यूज करने पे अपने लिए अप्रोक्सीमेट 56% का ROI है। तो एवरी मंथ जो भी आप कैपिटल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बस आपको हमेशा याद रखना है कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना, कभी भी आपको डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना, क्योंकि होता है ये, काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि कभी 2 लॉट में कर लिए, कभी एकदम से 20 लॉट में कर लिया। तो आप डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है आपने 10 ट्रेड पे जो काम किया है, वो 10 ट्रेड का प्रॉफिट आपके एक ट्रेड पे आपका माइनस हो जाए, यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे। तो आपको रूल पे के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे आप तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। आई होप आपको डिसिप्लिन का रूल समझ में आया कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जिससे वो ओवरऑल नेगेटिव में हो जाते हैं, बट हर स्ट्रेटजी का रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए आपको हमारा सजेशन रहेगा कि आप डिसिप्लिन फॉलो करें। ठीक है, यदि आपकी इच्छा है कि मीन्स आपको मल्टीपल लॉट में करना है, तो फिर मल्टीपल मल्टीपल में आप करिए। आपको लगता है कि आप डेली 4-4 लॉट में कर सकते हैं, तो डेली 4-4 लॉट में कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है डेली 10-10 लॉट्स में कर सकते हैं, तो डेली 10-10 लॉट्स में कर लिया। बट डेली रूल आप सेम फॉलो करिए, जिससे आपका क्या होगा कि जैसे यदि अपन देखें तो यहाँ पर आपने जो ट्रेड्स हैं उनमें जो प्रॉफिटेबल ट्रेड में से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस किया, तो नेट अपन प्रॉफिट में। तो आप सेम क्वांटिटी, आप भले कितनी भी मान लीजिए, 10,000 का अमाउंट लगाने के पे 5,600 का कैपिटल मिल रहा है। आप ज्यादा कैपिटल लगा रहे हैं तो आपका रिटर्न भी बढ़ जाएगा, बट आपको हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है, तो इस चीज का आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। इसलिए मैंने आपको इसका एक सजेशन दिया कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, रूल के अकॉर्डिंग करना है। कहीं पर भी आपको लगता है कोई आपको डाउट आ रहा है, लाइव मार्केट में आप ट्रेड जनरेट कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपने ट्रेड जनरेट किया, आपने एक वैल्यूज एक्सेल में एंटर की, और एंटर करने के बाद आपको लग रहा है कि जो आपने ट्रेड जनरेट किया है उसको आपको कन्फर्म करवाना है, तो जो आपने वैल्यूज एंटर की है उसका स्क्रीन शॉट लेके आप सेंड कर सकते हैं। जो भी आपको ट्रेड आया उसका स्क्रीन शॉट लेके आप सेंड कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है, जिस नंबर से आपको जूम लिंक आई होगी, जो 8269550333 वाला है, उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप स्ट्राइक प्राइस आप सेंड कर सकते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस में इस ऑप्शन टाइप में आया है, 48,000 के पी में ट्रेड आया है, जो भी ट्रेड आता है। तो आप स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन टाइप सेंड करेंगे, उससे भी मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा, या फिर आप आपकी वैल्यूज का स्क्रीनशॉट लेके सेंड करेंगे तो भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो आपको कहीं भी लगता है कि आपके ट्रेड्स को लाइव मार्केट में आपको कंफर्म करवाना है, तो आप आपके ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। आपने जो ट्रेड जनरेट किया उसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, आपने जो ट्रेड जनरेट किया उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी तो मैं आपको कन्फर्मेशन दे दूंगा, आप आराम से कर सकते हैं उसमें। ये एक्टिविटी आप कुछ दिन करेंगे तो जिससे आपके जो कुछ छोटे छोटे डाउट्स आ सकते हैं लाइव मार्केट में, वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आप आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी में आप परफेक्ट भी हो जाएंगे। तो कभी भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, लाइव मार्केट में ट्रेड कंफर्म करना है, लाइव मार्केट में कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो आप आराम से मेरे नंबर पर आप कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। जितने भी आपके मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके लिए आप मार्केट में कभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी। तो ये 2 जनवरी का था, तो अपना ट्रेड आता है तो ट्रेड में किस प्रकार एंट्री लेना होता है, कंडीशन वन में वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया, कंडीशन टू में ट्रेड आता है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया, कंडीशन थ्री में ट्रेड आता है, कंडीशन थ्री के भी दो अपन ने एग्जाम्पल देख लिया कि ट्रेड आया तो किस प्रकार काम करना होता है, और कभी ट्रेड नहीं आएगा तो आपको सीट ब्लैंक मिल जाएगा, इस प्रकार अपने काम करना। ठीक है, तो ये रूल्स अपने हैं, और भी आप सबके जो डाउट्स हैं, कुछ और ट्रेड्स को भी अपन चेक कर लेते हैं। 30 का भी अपन ने, अभी अपन ने क्या चेक किया है, अपन ने 2 जनवरी का चेक किया है और 1 जनवरी का चेक किया है, 3 जनवरी और 4 जनवरी का। जैसा कि मैंने बताया है कि 3 जनवरी और 4 जनवरी को ऑप्शन में ट्रेड इंट्री नहीं मिला, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ट्रेड बना बट मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेना। इस चीज का भी आपको याद रखना है कि मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेना, ट्रेड बना इस दिन बट अपन ने एंट्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपनी जो रूल के अकॉर्डिंग एंट्री प्राइस थी वो नहीं आई, फास्ट 15 मिनट कैंडल के हाई का जो ब्रेकआउट था वो नहीं हुआ,
एंट्री नहीं आई तो अपन अवॉइड कर देंगे, तो मार्केट रेट पे आपको एंट्री नहीं लेना, इस बात का भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी अपन ने जनवरी के जो ट्रेडिंग डे थे उनमें जो ट्रेड आए थे उनमें किस प्रकार एंट्री लेना था वो देख लिया, दिसंबर के फर्स्ट मंथ के भी देख लिए। आप और भी बैकटेस्ट कर सकते हैं, मैं कुछ और भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ, फिर इसके बाद अपन जो दीपांशु जी का क्वेश्चन था जीटी टेडर, उसको अपन डिस्कस करेंगे कि जीटी टेडर आपको ऑप्शन में किस प्रकार प्लेस करना है जिससे आप एंट्री टारगेट हासिल तीनों एक साथ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन कुछ प्रीवियस ट्रेड्स को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस दिन का अभी अपन दिसंबर के लास्ट के अपन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जनवरी से पहले 29 दिसंबर का अपन चेक कर लेते हैं। 29 दिसंबर को ट्रेड नहीं है, यहाँ सीट में मेंशन नहीं है तो क्यों अपन ने अपॉइंट किया, तो यहाँ ट्रेड नहीं था तो वो अपन कैसे पता चलेगा, सीट ब्लैंक थी। एक बार अपन एंटर करके देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब भी सीट ब्लैंक आता है तो उस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना होता है। आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है अभी भी आप पूछ सकते हैं आपके जो डाउट्स हैं। मयंक शर्मा जी आपका डाउट्स है, एक बार आप आपके क्वेश्चन को फिर से, क्योंकि आपने आप फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहे हैं या ऑप्शन के बारे में, कंडीशन थ्री में, आप आपका जो क्वेश्चन है एक बार फिर से आप सेंड करिए, उसमें आपने फ्यूचर भी मेंशन किया है ऑप्शन भी, तो आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं एक बार आप महेंद्र जी आपका जो क्वेश्चन है वो आप मुझे फिर से सेंड कर दीजिए। आपका क्वेश्चन है ऑप्शन में मैक्सिमम कितने लॉट्स में कर सकते, देखिए ऑप्शन में आप आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया डेली आप सेम क्वांटिटी आपको मेंटेन करना, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, आपको लगता है कि आज 2 लाख का कैपिटल है तो आज मैं 2 लाख के कैपिटल से मैं मल्टीपल लॉट में काम कर लूँ, 2 लाख में जितने भी लॉट्स आएंगे उसमें काम कर लूँ, और आपको पता है कल आपका ये जो कैपिटल है वो आप मीन्स पे आउट निकाल लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं रहेगा तो कल आप फिर एक ही लॉट में कर पाएंगे, तो ऐसा आपको मत करिएगा। हो सकता है आप जिस दिन आप 2 लाख का कैपिटल एक ट्रेड पे लगा रहे हैं उस दिन स्टॉप लॉस हो जाए और अदर डेज प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तो आपको सेम कर, तो मैक्सिमम जो लॉट्स की क्वांटिटी है वो मेरी साइड से ऐसी कोई फिक्स नहीं है, आप आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग बस आपको याद क्या रखना है कि डेली आप सेम क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी 29 का अपन चेक करें, फिर इसके बाद जो जीटीटी ऑर्डर का क्वेश्चन था वो मैं आपको बता दूंगा जीटीटी ऑर्डर किस प्रकार प्लेस करना है, ठीक है। 29 दिसंबर के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करते हैं, फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद अपने लिए पता चल जाएगा कि कंडीशन 1 है 2 है या 3 है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन था 48750, यहाँ पर अपन कोई कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं करें क्योंकि जो अपन ने एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज करा गया उसी में वैल्यूज एंटर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट डे था। तो 29 से अपना 29 दिसंबर से जनवरी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। दो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट था वो अपना एक्सपायर हो गया था लास्ट थर्सडे को 28 दिसंबर को, तो इसलिए अपन ने जो चार्ट सेटिंग सेट कर रखी है इसी में अपन देखेंगे, ठीक है। तो 48750 का ओपन था, 48805 का हाई था, ओके। ये वैल्यूज एंटर करते हैं 48750, 48805 एंड लो था 48590 एंड क्लोज था 48661 पॉइंट, सॉरी 48672.25 का क्लोज था, ओके। 48672.25 श्री रेड्डी जी आपका जो क्वेश्चन है वो भी मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। आपने जो हो जाएगा अभी मैं ये एग्जाम्पल देख रहा हूँ इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एटीएमए है 48802.50, 48802.50, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं या नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं वैल्यूज। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करते हैं, स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन 3 आया, चेक कंडीशन 3 टैब, तो कंडीशन 3 में अपन क्या करेंगे सेकंड कैंडल की वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। सेकंड कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद अपन क्या करेंगे चेक करेंगे कि कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक है या फिर ट्रेड दिया है, तो मैंने अभी सेकंड कैंडल पर क्लिक कर रखा है
इसके वैल्यूज अपन इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल में अपन इंटर करते हैं। ओके 48.69 सॉरी 48.665.10 का अपना ओपन है, 48.665.10 हाई है, 48.692.30 48.692.30 एंड लो है 48.580 48.580 एंड क्लोज है 48.619.80 48.619.80 यस। सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज भी इंटर की, सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यू इंटर करने के बाद आपको कंडीशन थ्री में चेक करना है। कंडीशन थ्री में सीड ब्लैंक है, सीड ब्लैंक है मीन्स ट्रेड को अवॉइड करना है, तो इस दिन ट्रेड नहीं करना था राइट, क्योंकि सीड ब्लैंक, तो इस प्रकार आपको करना है। तो सीड ब्लैंक है मीन्स अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करेंगे अपन, तो ये इस प्रकार का। तो जब ट्रेड आता है तो किस प्रकार काम करते हैं वो भी अपन ने चेक कर लिया कंडीशन थ्री में। सीड ब्लैंक होता है तो अवॉइड करना होता है, कंडीशन वन का भी अपन ने एग्जाम्पल चेक कर लिया, कंडीशन वन में ट्रेड आया था, कंडीशन टू का भी कर लिया। तो जब भी सीड ब्लैंक आएगा तो आपको अवॉइड करना रहेगा, जैसे ये अपन ने एक 29 का अपन ने एक एग्जाम्पल चेक किया। तो जितने भी आपके डाउट्स थे आई होप अभी क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, एंट्री रूल से रिलेटेड जो आपका डाउट था श्री रेड्डी जी के, आप एक्सपायरी वीकली नहीं ले सकते, तो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। देखिए वीकली एक्सपायरी में आपको इसमें काम नहीं करना है, उसमें कर सकते हैं, जो दूसरी वाली स्ट्रेटजी डिस्कस की थी प्रीवियस संडे को, यदि आप आज की डेट में नए हैं तो आप सीखेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में आपको हमेशा मंथली कॉन्टेक्ट में काम करना है, क्योंकि ऐसा होगा कभी आपका कि आपका जो वीकली कॉन्टेक्ट है उसमें ट्रेड एग्जिट हो जाएगा और मंथली कॉन्टेक्ट में ना हो, तो आपको ऐसा हो सकता है एक दो बार, राइट, प्रीवियस मंथ में भी एक बार हुआ था। आपको हमेशा क्या करना है, आपको इसमें मंथ, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में जो हमने ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला कोट किया है, ठीक है, उसमें जो हमने पैरामीटर्स यूज किए हैं वो मंथली कॉन्टेक्ट के किए हैं, ठीक है, जो आपको स्ट्राइक प्राइस बताएगा वो मंथली कॉन्टेक्ट में एंट्री लेने के लिए ही बताएगा आपको, तो आपको हमेशा मंथली कॉन्टेक्ट में इस वाली स्ट्रेटजी में काम करना है, ठीक है, इस वाले में। बाकी जो आप स्ट्रेटजी, यदि आप कुछ सेल्फ से कुछ स्टडीज फॉलो करते हैं जिनमें काम करें वीकली में कर सकते हैं, बट आपको इस वाली स्ट्रेटजी में आपको हमेशा मंथली कॉन्टेक्ट में काम करना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो पूरा कैलकुलेशन है वो पूरा मंथली कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा याद रखना है। आई होप सभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी नरेश जी आपने मैसेज किया है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो मैसेज किया है, ठीक है, वो मैसेज का आंसर आपके क्वेश्चन में ही है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो मैसेज किया है कि यदि आप ऑप्शन में जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं तो जीटीटी ऑर्डर में टारगेट लगा सकते हैं या नहीं, तो टारगेट लगा ही सकते, जो जीटीटी ऑर्डर किया है वो जीटीटी ऑर्डर में एंट्री टारगेट ऐसे तीनों लगा सकते, उसका यही बात है। तो आपने जो जीटीटी ऑर्डर का मैसेज किया है वो जीटीटी ऑर्डर में एंट्री टारगेट ऐसे तीनों होते हैं, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जीटीटी ऑर्डर जो है उसमें एंट्री टारगेट ऐसे तीनों लगाने का ऑप्शन आता है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं बता भी दूंगा अभी एक एग्जाम्पल देखिए कि जीटीटी ऑर्डर किस प्रकार प्लेस करते हैं, तो जीटीटी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। इसके अलावा आप कोई ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हैं जिसमें ब्रेकेट ऑर्डर की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ब्रेकेट ऑर्डर भी कर सकते हैं, ब्रेकेट ऑर्डर में एंट्री टारगेट ऐसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में यदि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है तो, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी विवेक जी आपने बोला है 48.557.11 इज द वैल्यू ऑफ ATMA फॉर 29 दिसंबर, एक बार चेक कर लेते हैं आपने जो वैल्यू लिखी है वो ATMA की, आपने जो वैल्यू बताई है वो करेक्ट है। तो 29 दिसंबर का आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ATMA का वैल्यू 557 है, नहीं यहाँ पर देखिए ना, मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, इसके बाद आपको ATMA की वैल्यू जो दिख रही है वो ATMA की वैल्यू, आपने किस प्रकार आपने ATMA की वैल्यू चेक की है जो आपने मुझे सेंड की है वो एक बार आप मुझे बताएंगे। जो आप, मैंने जो यहाँ पर वैल्यू ATMA की इंटर की है वो यही वाली वैल्यू इंटर की है जो अपने लिए फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पर क्लिक करने के बाद ATMA के सामने वैल्यू दिख रही, आपने जो वैल्यू इंटर की है वो डिफरेंट है, वो 500 की रेंज में। नहीं आप देखिए इसमें आप एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे विवेक जी, क्यों करेंगे, क्योंकि अपना दिसंबर कॉन्टेक्ट एक्सपायर हो चुका था फ्राइडे, अपन 29 की वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, 29 को फ्राइडे था, मींस 29 को दिसंबर का जो कॉन्टेक्ट था वो एक्सपायर हो गया था,
तो अपन किसका चेक कर रहे हैं, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट डे का। तो आपको एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज पे क्लिक करने के बाद आपको वैल्यूज दिखेगा, ठीक है, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। आई होप अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो आप एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज के बिना आप वैल्यू चेक कर रहे थे, वो आपको एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे क्लिक करने के बाद वैल्यू चेक करना, ठीक है। मोहन बागवी जी, ऑप्शन में टारगेट नहीं आया तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं मोहन जी, नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया, ये इंट्रा डे की स्ट्रेटजी है, ठीक है, इंट्रा डे की स्ट्रेटजी है। टारगेट और एसएल नहीं आया तो 3:15 पे आप मार्केट रेट पे बुक कर लीजिए। आपको क्या करना है, ये इंट्रा डे में ही क्लोज करता है। आपको हमेशा इंट्रा डे की पोजीशन लगाना है। कभी टारगेट ऐसा होगा, कई बार होगा कि टारगेट नहीं आया, टारगेट नहीं आया तो आपको क्या करना है, 3:15 पे जो भी मार्केट रेट है, 3:15 से 3:25 के बीच में आप एग्जिट कर लीजिए। बट आपको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ये स्विंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये इंट्रा डे के लिए टेस्टेड है। इंट्रा डे में आपको यूज करना है, ठीक है, इसको स्विंग के लिए यूज नहीं करना। तो मोहन भाग जी, जो आपका क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। विवेक जी, आपने बोला है वी आर लुकिंग फॉर 29 दिसंबर का, 29 दिसंबर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट डे। ये दिसंबर है बट फ्राइडे, मतलब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो गया था, मतलब 28 दिसंबर को एक्सपायर हो गया था दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट। तो 29 दिसंबर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट डे, 29 दिसंबर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट डे था, तो आपको एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना था, ठीक है। तो आप वैल्यू जो देखेंगे वो एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अपन 29 दिसंबर को देख रहे हैं और 29 दिसंबर जो फ्राइडे था वो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट डे था। तो आपको एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पर क्लिक करने के बाद एटीएम की वैल्यू देखना है, ठीक है, इस प्रकार आपको देखना है। सुशील जी, आप नहीं, सुशील जी जो आपने मैसेज किया है एक्सेल में जो वैल्यू लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको जो मेंशन, देख वैल्यूज आपको एंटर करके डेली चेक करना है। मंथ में एवरी मंथ 22 ट्रेडिंग डेज है, 22 ट्रेडिंग डेज जो है, 22 ट्रेडिंग डेज में से 8 to 12 डेज आपको ट्रेड जनरेट होके आएगा। जैसा कि आपने मैसेज किया है कि आपको वैल्यूज एंटर ना करना पड़े जो यहाँ पर है, तो आप चाहते हैं कि जो यहाँ ये जो मेंशन है वो उसी का मेंशन है। आपको लगता है कि आप वैल्यूज इंटर नहीं करना चाहते और आपको मीन्स जस्ट ट्रेड क्या है वो मिल जाए, तो वो इसमें नहीं मिलता। आप यहाँ से इस इंक्वायरी करते तब भी आपको जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपको वैल्यूज इंटर ना करना पड़े और ट्रेड मिल जाए। तो इसके लिए जैसे अभी अपन ने डिस्कस अभी जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, लेवल 1 की स्टडीज की डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो लेवल 1 के अलावा आप नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड हो सकते हैं, नेक्स्ट लेवल 2 में तो नहीं। ये जो फैसिलिटी है वो किस में है, लेवल 3 वाले में। तो जो वैल्यूज इंटर ना करना पड़े वो इसमें है, क्योंकि इसमें आपको इसका एक्सेस मिलता है 500,000 प्रोग्राम का। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो 5 लाख का प्रॉफिट जनरेट करता है एवरी ईयर, 2 लॉट मीन्स जब उसमें डबल बेट आता है तो अपन काम करते हैं 30 क्वांटिटी में, जब सॉरी डबल बेट आता है तो अपन काम करते हैं 60 क्वांटिटी में, और सिंगल बेट आता है तो अपन 18,000 का कैपिटल यूज करते हैं, 18,000 यानी कि 30 क्वांटिटी में काम करते हैं, मतलब 600 वाली प्रीमियम में अपन काम करेंगे 30 क्वांटिटी में 18,000 का कैपिटल, तो इसका एक्सेस मिलता है। तो जो आप बोल रहे हैं कि इस का सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको वैल्यूज इंटर ना करना पड़े। तो नेक्स्ट लेवल पे जैसे अभी अपन लेवल 1 की स्टडीज को डिस्कस कर रहे हैं, संडे क्लासेस में अपन ये लेवल 1 की स्टडी डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको बैंक निफ्टी एक्सेल इसके साथ पावर लिंटन जैकपॉट एक्सेल मिला है, और ये बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी और सिंगल स्टॉक इंट्राडे स्ट्रेटजी। तो इसमें आपको 2 एक्सेल मिले, निफ्टी जैकपॉट एक्सेल और बैंक निफ्टी एक्सेल, निफ्टी जैकपॉट एक्सेल बैंक निफ्टी एक्सेल के आपको वीडियो मिले फर्स्ट मेल पे, बाकी ये जो स्टडीज इनके अपन वो भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल इसका जो सॉल्यूशन है कि आपको वैल्यूज इंटर ना करना पड़ रहा है वो इसमें मिलता है। तो जो लेवल 3 है इसमें आपको एक 500,000 प्रोग्राम का एक एक्सेल मिलता है, प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल। तो इस एक्सेल में एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें जो ट्रेड जनरेट होता है उसका हम स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं, मतलब प्रॉपर ट्रेड का ही। तो उससे क्या होता है कि जो भी ट्रेड्स आते हैं उनमें आपको वैल्यूज इंटर नहीं करना होता, उसमें जस्ट आपको प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप में ट्रेड मिल जाता है। और इसका एक्सेस कब तक मिलता है, ये 5 लाख का प्रॉफिट देता है, और वो 5 लाख का प्रॉफिट होता है वो किस प्रकार होता है वो भी आपको मैं बता दूं। तो 5 लाख का जो प्रॉफिट होता है वो 5 लाख का प्रॉफिट इस प्रकार होता है, जैसा कि मेरी से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो कुछ ट्रेड्स मेंशन है आपको 500,000 वाले, तो ये जो 5 लाख का जो प्रॉफिट होता है वो इस प्रकार होता है। तो इसमें मेंशन आपको दिख रहा होगा 5 लाख का जो प्रॉफिट है वो किस प्रकार मेंशन यहाँ पर, सॉरी ये जनवरी 2022 का ओपन हो गया, मैं आपको बता देता हूँ अभी का। तो
तो ये जो तो जिसका आपका सॉल्यूशन आप पूछ रहे हैं कि आपको वैल्यूज इंटरनल का, ये सिर्फ हाफ मिलियन प्रोग्राम में होता है लेवल 3 में, जिसमें क्या होता है, जिसमें जब 60 मतलब डबल बेड आता है, वो सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ आता है आपको डबल बेड। यदि अपन बात करें तो लास्ट के 45 ट्रेडिंग डेज की भी आप बात करेंगे तो लास्ट के 45, 15 अक्टूबर से अपन लास्ट अक्टूबर से ही अपन चेक कर लेते हैं। तो इसका जो लास्ट यदि देखेंगे आप, तो ये इसका 1,49,000 का प्रॉफिट है इसका, बट ये डिफरेंट है। ये 1,49,000 का प्रॉफिट कब है, जब इसने सॉफ्टवेयर ने डबल बेड बोला है तो 60 क्वांटिटी, जब इसने सिंगल बेड बोला है तो 30 क्वांटिटी, बट ये डिफरेंट है। जिसमें आपको वैल्यूज इंटर नहीं करना होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है, वो ये डिफरेंट होता है। मतलब इसमें आता है कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ आता है डू यू डबल बेड टूडे, इसमें यस आएगा तो 60 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट काउंट होता है। इसमें डू यू डबल बेड टूडे में यदि आया है नॉट एप्लीकेबल, तो इसमें क्या होता है नॉट एप्लीकेबल लिखा है तो वहां पर 30 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट काउंट होता है। तो ये अलग है, इसमें आई स्टडीज जो होती हैं वो अलग होती हैं, इसमें डू यू डबल बेड टूडे और भी काफी सारे इंस्ट्रक्शन है, एस ए आर भी अपन इसमें यूज करते हैं, क्या एस ए आर होता है। तो ये एक हाफ मिलियन प्रोग्राम है। तो जो आपने पूछा है कि इसका आपको वैल्यूज एंटर ना करना पड़े, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो बैंक निफ्टी एक्सेल आपके पास है, इसमें आपको वैल्यूज एंटर करके देखना है। एवरी मंथ 12 में से 8 to 10 ट्रेडिंग डेज आपको 12 जनरेट ट्रेड जनरेट हो जाता है, किसी मंथ 8 to 12 डेज भी ट्रेड जनरेट होता है, इसमें आपको वैल्यूज एंटर करके देखना रहेगा। ये एवरी मंथ अपने लिए 6 to 12,000 के समथिंग का प्रॉफिट देती है। अपन इसमें 10,000 का कैपिटल यूज करते हैं, 10,000 के कैपिटल पे अपने लिए एवरी मंथ ये 6 to 6,000 से 12,000 के बीच का रिटर्न देती है, जो यहाँ पर मेंशन है। बट ये जो स्ट्रेटजी जिसका अपन देख रहे हैं, इनका थोड़ा आरओआई ज़्यादा हो जाता है। जहाँ अपन इसका एवरी मंथ का 6,000 का प्रॉफिट देख रहे हैं 6 to 12, तो ये जो लेवल 3 वाली है इनमें डिफरेंस ये हो जाता है कि इसका जैसे लास्ट आपने देखा 45 to 50 ट्रेडिंग डेज का 1,49,000 का प्रॉफिट है इसका, तो इसमें आपको वैल्यूज इंटर नहीं करना होता है। ये एक होता है हाफ मिलियन प्रोग्राम, जिसमें आपको एक्सेस जो मिलेगा वो कब का मिलेगा, 5 लाख के प्रॉफिट का। मतलब इसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, जब तक आपका 5 लाख का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, आपको मिनिमम कैपिटल कितना यूज करना है, मिनिमम कैपिटल आप 4 लॉट में कर पाए। 36,000 का कैपिटल है आपका, 600 वाली प्रीमियम पे आप 4 लॉट में आप काम कर पाए तो आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। डबल बेड आएगा तो 60 क्वांटिटी में, सिंगल नॉट एप्लीकेबल आएगा डबल बेड में तो 30 क्वांटिटी में, 5 लाख का ये प्रॉफिट देता है। तो ये है, तो इस प्रकार आपको करना होता है। तो जो आपका क्वेश्चन था, आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा कि लेवल 1 में ये नहीं है, लेवल 1 में आपके पास जो एक्सेल है जो एवरी मंथ 6 से 12,000 के समथिंग का रिटर्न आपको दे रही है, वो आपको सेल्फ से ट्रेड जनरेट करके देखना होगा। लेकिन आपको लगता है कि लेवल मतलब आपको इनकम इंक्रीज करनी है, एवरी मंथ का 50 से 60,000 का आपको प्रॉफिट हो जाए, वो ये जो हाफ मिनट प्रोग्राम का प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल देता है, तो फिर आप लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, जिसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट मिलती है, और एडिशनली काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज भी मिलती हैं, 12 PM स्ट्रेटजी और मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर मिलता है, निफ्टी स्मैश बैंक निफ्टी स्मैश की स्विंग ट्रेडिंग मिलती है। तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आपका शायद जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया कि आपको इसमें ये फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें नहीं मिलेगी लेवल 1 में, क्योंकि लेवल 1 के अलावा आपको लेवल को अपग्रेड करना होगा यदि आप ये फैसिलिटी चाहते हैं कि जिसमें एवरी मंथ 50 से 60,000 की इनकम हो जाए और आपको ये हाफ मिलियन प्रोग्राम वाले एक्सेल का एक्सेस मिल जाए और टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाए, और जिसमें मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर वाला है, और काफ़ी सारी अदर चीज़ें मिलती है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट। मोहन भाभी जी, बैंक निफ्टी का जो बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी है, उसका ट्रेड ये सीट अपोजिट आया तो बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप आपको मॉर्निंग में इसके टाइम पे ट्रेड नहीं देगी मोहन जी, जो आपका ट्रेड है, क्योंकि बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी 5-5 मिनट के ट्रेड सेटअप पे बेस्ड है। तो उसका जो अपन वो करते हैं ट्रेड जनरेशन सेटअप देखते हैं, तो उसका भी अपन रूल डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप में। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे इसमें 9:45 में ट्रेड आया और उस टाइम, क्योंकि वो 5-5 मिनट के 6 कैंडल पे बेस्ड है, तो जो दूसरी वाली स्ट्रेटजी, ये वाली स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, मैं आप समझ गया कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है आप इसका बात कर रहे हैं, ये वाला। तो ये जो बैंक निफ्टी की बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी है, जो यहाँ से आपने आज फर्स्ट संडे यदि अटेंड किया है, तो फोर्थ संडे में जो स्ट्रेटजी अपन डिस्कस करेंगे वो बैंक निफ्टी की बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी है। बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी 6 कैंडल के सेटअप पे बेस्ड होती है, 5-5 मिनट के 6 कैंडल के सेटअप पे बेस्ड। उसमें कभी ट्रेड आया, उसमें ट्रेड आ गया और इसमें भी ट्रेड आया बैंक निफ्टी एक्सेल में, और इसका ट्रेड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसके ट्रेड को आपको प्रायोरिटी देना होगा।
इसलिए आई होप आपने जब ज्वाइन किया होगा तो मेरी साइड से आपको मैसेज भी आया होगा कि यदि आपने बैंक निफ्टी की बाउंसिंग फ्रॉम द रॉक स्ट्रेटजी की क्लास अटेंड नहीं की तो आप अभी क्लास कंप्लीट आपकी 4 संडे की क्लास कंप्लीट होने का वेट कर लें, जिससे आपको बाउंसिंग फ्रॉम द रॉक पता चल जाएगी। तो आपको ये पता रहेगा कि बाउंसिंग फ्रॉम द रॉक में ट्रेड है या नहीं, कभी बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रॉक में ट्रेड है मॉर्निंग में, ठीक है, तो और उसमें ट्रेड है और इसमें एंट्री नहीं आया और उसमें एंट्री आ गया था, आप उसके ट्रेड को फॉलो कर सकते। ये अभी फ्राइडे को भी हुआ है, फ्राइडे को भी बाउंड निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप में एंट्री पहले आ गया था, इसके ट्रेड में नहीं आया था, अपन ने बाउंसिंग फ्रॉम द रोप में काम किया था। ओके तो ये होता है, तो वो आप इसकी क्लास में सीखेंगे। मोहन जी, जो आपका डाउट है कि बाइंग निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप का जो ट्रेड आता है तो उसमें किस प्रकार करते हैं, उसको कब प्रायोरिटी देना है, इसको कब प्रायोरिटी देना है, तो ये बाउंसिंग फ्रॉम द रोप में काम करेंगे। जब तक आपके पास बाउंसिंग फ्रॉम द रोप नहीं है, जब तक आपने ये स्ट्रेटजी आज सीखी है, इसमें आप काम करिए, ठीक है। तो आई होप मोहन जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सुशील जी, जो आपका डाउट था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा कि ये जिसमें आपको वैल्यूज इंटर ना करना पड़े और आपकी आपको लगता है इनकम इंक्रीज करनी है तो वो आप अंदर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे लेवल हमने मेंशन कर रखे हैं। देख, आप सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, आप सबकी इनकम जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन अलग 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 है। तो आपका क्या गोल है मंथली इनकम का, उसके अकॉर्डिंग आप लेवल डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ सारे लेवल फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मेंटेन है। यहाँ पर किस लेवल में क्या मिलेगा, कितने सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कितने एक्सेस मिलेंगे, लेवल 5 में भी यहाँ पर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब इस पे पूरा जो जो भी लिखा है। तो सारे लेवल्स में क्या क्या है, आपके जिस लेवल की अपन स्ट्रेटजी देख रहे हैं उसमें क्या है, तो फुल ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पर मेंशन कित सारी स्टडी सब कुछ। तो जिस लेवल में जो जो इंक्लूड है वो फुल ट्रांसपेरेंसी से मेंटेन है, जिससे क्योंकि हमें पता है आप सबकी एक्सपेक्टेशन इनकम की अलग है। आप में से कोई फुल टाइम ट्रेडर होंगे जिनको फुल टाइम इनकम ट्रेडिंग इनकम पर ही डिपेंड रहना है, कोई ट्रेडर ऐसे भी होंगे जो टाइम पास के लिए ट्रेड करते होंगे जस्ट अपना थोड़ा बहुत टाइम, कुछ ऐसे भी होंगे जो मीन्स एवरी मंथ 10 to 12 thousand की मंथ की इनकम आ जाए, कुछ ऐसे भी होंगे जो एवरी मंथ 50 से 60 thousand की इनकम के लिए एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हो। तो जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसलिए हमने सारे यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से मेंटेन कर रखे हैं, जो आपका गोल है उस लेवल को आप सिलेक्ट करके उसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सुशील जी, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ये अलग है, ठीक है। ये जितने लेकिन जितनी भी स्टडीज हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी टेस्टेड है, सभी के सभी स्टडीज प्रूवन है, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी हम आपको सिखा रहे हैं हर स्ट्रेटजी का प्रॉपर ट्रेड टिकर मेंटेन करते हैं। जितनी भी स्टडीज है, कोई भी स्ट्रेटजी आप ले लो हर स्टडी का, एक जो आई होप आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए ज्वाइन कर रखा है, जिसका जैसे 3,15,000 का लास्ट 8 ट्रेड का है, तो वो मीन सारी स्टडीज अलग अलग है। तो जो आपका इंटरेस्ट है, आप स्विंग में कोई काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्विंग की स्ट्रेटजी भी है, इंट्राडे में काम करते हैं तो इंट्राडे की भी है। तो जो आपका गोल है इनकम का उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आई होप जो डाउट था कि आपको वैल्यूज इंटर ना करना रहे, ये उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो उसका सॉल्यूशन इस लेवल 3 में। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी जो अपन स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं इस बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी, इसमें कोई और डाउट होता है आपका तो आप पूछ लीजिए, तो आप सबके जो डाउट्स है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दीपांशु जी, आपका मैसेज मेटा स्टॉक, देख मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर अलग होता है। देखिए ये जो प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड सॉफ्टवेयर है ये अलग है, जैसा कि मैंने बताया इसमें अपन इसमें डबल बेड कब है, सिंगल बेड कब है, ये आता है। तो इसमें इसमें अलग होता है, मतलब इसका ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला अलग होता है, इसमें ये स्ट्रेटेज की वैल्यूज भी अपन एंटर करते हैं, इसका ट्रेड मतलब इसका पूरा अलग है, क्योंकि इसमें 12 PM स्ट्रेटजी भी इंक्लूड है, एक अलग इंक्लूडेड BFR 12 PM, तो ये 12 बजे वाली जो स्टडीज है इन सबको मिला के भी बनाया, तो ये अलग है। बट आपका जो मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर को लेके डाउट है वो मैं बता देता हूँ, वो अलग है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो एक्सेल स्ट्रेटजी है वो अलग है, मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर अलग होता है, और प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो जो 1/2 million ट्रेडिंग इनकम प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें एक बैंक निफ्टी का 12 PM का स्ट्रेटजी मेंशन होता है, बैंक निफ्टी 12 PM ट्रेंड फॉलोइंग इंट्राडे स्ट्रेटजी उसका मेंशन, ठीक है, तो वो अलग है। या फिर उसके लिए आप अलग से मैसेज कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल सॉफ्टवेयर किस प्रकार काम करता है, इसका वीडियो मिल जाए, तो जो सुशील जी आपको क्वेश्चन था, तो इसका आप वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये 1/2 million ट्रेडिंग इनकम प्रोग्राम किस प्रकार काम करता है, ठीक है, तो इसका आप वीडियो ले सकते हैं, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो देख के इसके बाद आपको लगता है कि आपको इस लेवल पे जाना है, 50 से 60 thousand पर मंथ की इनकम चाहिए, तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको एडिशनली ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफ़ी सारी मिल रही है, ठीक है। तो अभी आपका इस स्ट्रेटजी में जो अपन डिस्कस करें इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए,
कोई भी आपको लगता है इसमें और कोई डाउट हो बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी में, जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपको लाइव मार्केट में आ सकते हैं, लाइव मार्केट में कोई प्रॉब्लम आएगी जब भी आप आपके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ दीपांशु जी, आपने थैंक रिमाइंड करा, मैं आपको बता देता हूँ जो आप बोल रहे हैं मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर क्या। तो मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या होता है मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में एक्सचेंज के सर्वर से डेली ओडी डेटा आता है। तो एक्सचेंज के सर्वर से जो डेली ओडी डेटा आता है, इसमें हमने स्ट्रेटजीज कोट कर रखी। तो मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में क्या है, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज है। तो मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में एक्सचेंज का डेली ओडी डेटा आता है, तो जो डेली ओडी डेटा आता है उस डेली ओडी डेटा में स्ट्रेटजीज ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है यहाँ पर ऑलरेडी हमने। तो इसमें क्या कर रखा है, एक्सचेंज के सर्वर डेटा आता है मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में, एक्सचेंज के सर्वर से जो डेटा आता है वो इवनिंग में 7:30 पे डेली ओडी डेटा है उसमें हमने स्टडीज कोट कर रखी है। तो आपको नाइट में 7:30 PM के बाद पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे का ट्रेड क्या है। तो इसके भी आपको लगता है कि वीडियो चाहिए तो वो वीडियो ले सकते हैं, राइट। इस क्लास में अपन जो स्टडी डिस्कस करें उसमें कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं बैंक निफ्टी एक्सेल में। जो मेटा स्टॉक का डाउट था आपका, आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें सबके अलग अलग स्टडीज इंक्लूड है, ठीक है। एक्सप्लोर पे क्लिक करके, और मतलब वो सबके अलग अलग रूल है, जस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करके और आप रिपोर्ट आ जाती है, आपको सारे ट्रेड आ जाते हैं। तो वो सब आई होप आपका जो डाउट था कि ये सॉफ्टवेयर अलग होता है, वो सॉफ्टवेयर अलग होता है, ठीक है। तो आई होप इसमें वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं बहुत सारी, बट वो वीडियोस में आपको पता चल जाएंगी कि इसका जो मेटा स्टॉक के वीडियोस होते हैं वो सारे आपको अलग अलग पता चल जाएंगे। तो इसमें काफ़ी सारे आपको यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर दिख रहे हैं, तो क्रूड की, इंट्राडे की, निफ्टी बैंक निफ्टी की, सबकी अलग अलग है। तो ये अलग होते हैं, बट अभी अपन जो लेवल में बैंक निफ्टी एक्सेल डिस्कस कर रहे हैं वो आप ये वाली, इसमें कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए, और अदर स्टडीज की जो इंक्वायरी आपको करनी हो तो वो आप अलग से पूछ सकते हैं। वैसे वेबसाइट पे भी फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मेंशन है, और आपको लगता है कि अलग से और इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स डिटेल, जो अदर एडवांस कोर्सेस हैं इनके, आपको अदर जो लेवल से इनकी कोर्स डिटेल की PDF चाहिए, तो उसके लिए आप अलग से मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। मेरे ही नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा 8269550333 पे, तो आपको टीम मेंबर की साइड से, मैं किसी टीम मेंबर को बोल दूंगा, वो आपको इसकी पूरी फुल डिटेल और वीडियोस वगैरह दे देंगे। बट अभी जो अपन ने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, जिससे इस स्ट्रेटजी में कोई डाउट ना रहे, इसमें कोई आप काम करें तो फुल क्लैरिटी रहे, तो उसके बारे में पूछ लीजिए जिसको अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नरेश जी, हाँ नरेश जी, आपको लगता है कि मीन्स आप लाइव मार्केट में पूछना चाहते हैं, आप कोई भी लगता है पूछ सकते हैं, लाइव मार्केट में भी आपके जो क्वेश्चन है ट्रेड कंफर्म करने के लिए हम हमेशा अवेलेबल है। आपको कभी भी लगता है कि जो आपके ट्रेड्स हैं उनमें आपको कंफर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। 8269550333 जो मेरा नंबर है उस पर काफ़ी एक्टिवली मैं अवेलेबल होता हूँ, तो आप आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। शिव शंकर, जस्ट एक्सप्लेन कंडीशन 3 इन ऑप्शन, ठीक है। मैं कंडीशन 3 आपने अभी लेट ज्वाइन किया, कोई दिक्कत है, मैं कंडीशन 3 रिपीट कर देता हूँ। मोहन जी, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। विवेक जी, आपने बोला है रियल टाइम मार्केट वी नीड टू टिक एडजस्ट फॉर मार्केट और नॉट और ओनली फॉर फर्स्ट डे ट्रेडिंग द ओनली मंथ। देखिए हाँ नहीं, आपको एक बार क्लिक कर, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन क्या है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ तो आपको एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंज पे एक बार क्लिक करना है, फिर डेली डेली नहीं करना। हाँ फिर डेली डेली नहीं करना, एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे क्लिक कर दिया तो फिर आपको डेली डेली नहीं करना रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ले मैं आपको आपका क्वेश्चन समझ गया। और शिवशंकर जी, जो आपका क्वेश्चन है कि कंडीशन 3, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपने लेट ज्वाइन किया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कंडीशन 3 इसी के दिन का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कंडीशन 3 के लिए अपन ने लास्ट ट्रेडिंग डे की वैल्यूज अपन ने इंटर की थी, लास्ट ट्रेडिंग डे की नहीं की, मतलब प्रीवियस वीक के लास्ट फ्राइडे, लास्ट डे का किया था, फ्राइडे का किया था, पिछले फ्राइडे का 29 दिसंबर की वैल्यूज अपन ने इंटर की थी। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज इंटर दिख रही होंगी, ओके। प्रतीक जी, जो आपका क्वेश्चन है वो आप अलग से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यहाँ पर अभी जो स्ट्रेटजी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, GT ट्यूटर वाला मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो अदर कोर्सेज से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं उनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मैं देखिए यहाँ पर कंडीशन 3 का जो केस बता रहा हूँ इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको आप देखिए कि कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक आएगा और वो कब सीट ब्लैंक आएगा तो आप ट्रेड को अवॉइड करेंगे,
जब सेकेंड कैंडल की वैल्यू आप इंटर कर देते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है उसकी वैल्यूज तो आपको पहले ही इंटर करना है। शिव शंकर जी आपने लेट ज्वाइन किया है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज एंटर कर रखी हैं अभी वो 29 दिसंबर की वैल्यूज एंटर करके रखी हुई है। 29 दिसंबर जो इस जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ट्रेडिंग डे था उसके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज मैंने इसमें एंटर करके रखी है। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज अपन सबसे पहले एंटर करते हैं। मैंने एंटर की फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज जो है उस ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यूज इंटर की। इंटर करने के बाद अपने स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करना होता है। स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आया, क्लिक करने के बाद अपने लिए कंडीशन 3 आया। मान लीजिए क्लिक करने के बाद कंडीशन 1 आता तो कंडीशन 1 में ट्रेड आ जाता, कंडीशन 2 आता तो कंडीशन 2 में ट्रेड आ जाता। कंडीशन 1 और 2 में कभी भी सेकेंड कैंडल की वैल्यू एंटर नहीं करते, लेकिन कंडीशन 3 आया, कंडीशन 3 में फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद तो हमेशा कंडीशन 3 सेम ब्लैंक ही रहेगा। लेकिन हमेशा अपने लिए इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। कंडीशन 3 में जो इंस्ट्रक्शन यहाँ मेंशन होता है, क्या मेंशन है, टुडे यू शुड वेट एंड गो बैक टू स्टेप 1 एंड इनपुट नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल वैल्यूज। तो आपको कंडीशन 3 में अगेन स्टेप 1 इनपुट डेटा शीट पर जाना है। स्टेप 1 इनपुट डेटा शीट में जाना है और आपको यहाँ पर सेकेंड 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज इंटर करना है। सेकेंड 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू इंटर करने के बाद अगेन कंडीशन 3 पे क्लिक करना है और कंडीशन 3 में आपको सीट ब्लैंक है तो ट्रेड अवॉइड करना है, और कंडीशन 3 में ट्रेड दिया हुआ है तो ट्रेड करना है। तो आई होप शिव शंकर जी अभी आपको पता चल गया होगा, आपने लेट ज्वाइन किया है तो लास्ट में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बैंक निफ्टी का एक्सेल स्ट्रेटजी है इसमें कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक आता है तो अवॉइड करना है। इतना तो आपने अभी जब आपने ज्वाइन किया है लास्ट में डिस्कस कर रहे थे सुन लिया होगा। इससे पहले मैंने ये बताया था कि कंडीशन 3 में कभी ट्रेड दिया हुआ है तो किस प्रकार काम है। कंडीशन 3 में ट्रेड दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस दी है उस स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर जो भी ऑप्शन टाइप दिया है उस ऑप्शन टाइप का आपको क्या करना है, उस ऑप्शन टाइप का ऑप्शन चार्ट ओपन करना है आपके ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन चार्ट जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर मेंशन है उसका देखेंगे। तो यदि यहाँ पर सिर्फ सी लिखा है ज्यादा टाइम ही लगेगा, मैं आपको दोबारा जिस दिन कंडीशन 3 में ट्रेड आया था उस दिन की वैल्यूज इंटर करके बता देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए जो पहले से वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको डिलीट कर देते। कंडीशन 3 में जो ट्रेड है, कंडीशन 3 में 1 जनवरी को आया था, राइट, 1 जनवरी को आया था तो अपन 1 जनवरी का ही ट्रेड चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी का ट्रेड आया था तो किस प्रकार आपको ट्रेड में ऑर्डर प्लेस करना होता है, जो कंडीशन 3 को लेके आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है, उसका जो ओपन था 45,580। दीपांशु जी मैं बताता हूँ आपका, जो दीपांशु जी GTT ऑर्डर का भी डाउट है वो ही मैं बताता हूँ, उसकी टेंशन। ठीक है, बताता हूँ मैं इसमें इस स्ट्रेटजी के जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर GTT ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट में किस प्रकार प्लेस करते हैं बताऊँ। देखिए इसका ओपन मैंने करेक्ट लिखा है 48,580 है, 45 लिखा गया, 48,580 है। ओके, और हाई है 48,625.05, 48,625.05। ओके, एंड इसका लो है 48,431.45, 48,431.45 है, 35 एक बार चेक कर लेते हैं, 0.45, यस। एंड क्लोज है इसका, क्लोज है 48,472.35, 48,472.35। ओके, एंड लास्ट में ATMA का वैल्यू एंटर करना है, तो इस कैंडल का ATMA का वैल्यू है 48,549.49। ओके, फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर की, फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या आया, स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन 3 आया। कंडीशन 3 में अपन क्या करते हैं, अपन सेकंड कैंडल की वैल्यू एंटर। तो देखिए यहाँ पर अभी अपने फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर की नहीं, तो कंडीशन 3 सबसे पहले अपने बताता है ये इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है,
टुडे यू शुड वेट एंड गो बैक टू स्टेप वन एंड इनपुट नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल वैल्यूज। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर सेकेंड कैंडल की वैल्यू एंटर करेंगे, इसी में सेकेंड कैंडल की वैल्यू एंटर करेंगे। सेकेंड कैंडल की वैल्यू एंटर करने के लिए अपने लिए क्या करना है, 9:30 वाला जो कैंडल है उस पर क्लिक करना है। 9:30 वाला जो कैंडल है, 9:30 वाले कैंडल पर क्लिक किया, 9:30 वाले कैंडल का ओपन दिख रहा है 48465, ये एंटर करेंगे 48465, 48465 और हाई है 48531.85, 48531.85 और लो है 48450, 48450। ओके, एंड क्लोज है 48466.40, 48466.40। ओके, सेकेंड कैंडल की वैल्यूज इंटर की, इंटर करने के बाद कंडीशन थ्री पे क्लिक करना है। ये ट्रेड दिया है, ये ट्रेड दिया है, तो कंडीशन थ्री में जो आपका डाउट्स था तो आई अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए कंडीशन थ्री में जो ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन है ये तो फ्यूचर ट्रेडर के लिए, ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ऑप्शन में क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, यू नीड टू फॉलो सी एंड पी, जब भी यू नीड टू फॉलो लिखा है मतलब सी और पी दोनों है, यहाँ पर पी हाइड है, आपको नीचे का इंस्ट्रक्शन हमेशा पढ़ना है। नीचे क्या लिखा है, ओपन ए सी एंड पी 15 मिनट चार्ट विद स्ट्राइक प्राइस मेंशन है, तो यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस मेंशन है, इस स्ट्राइक प्राइस के सी का भी चार्ट ओपन करना है, पी का भी चार्ट ओपन करना है। इस स्ट्राइक प्राइस के जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो हाई है वो आप देखेंगे और कॉल ऑप्शन के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई देखेंगे आप। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के एक पॉइंट ऊपर आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा तो आप उसमें काम करेंगे। मान लीजिए कॉल ऑप्शन के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई पहले ब्रेक हो गया तो आप कॉल में आप एंट्री ले लेंगे, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लो के नीचे का एसएल रख देंगे और आप क्या करेंगे, जो आपका कंडीशन थ्री है उसमें आपको टाइम टारगेट के लिए फॉलो करना है, आप एक ही लॉट में काम कर रहे हैं। लेकिन आप मल्टीपल लॉट में करेंगे तो जैसा मैंने बताया था, हाफ क्वांटिटी आप 100 पॉइंट पे एग्जिट कर सकते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी आप T25 के लिए टाइम टारगेट के लिए चलने दीजिए। लेकिन आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो आपका वो लॉट है वो आपको क्या करना है, टाइम टारगेट पे आपको वो करना है। ठीक है, इस प्रकार करना है। तो ये डिस्कस किया था कंडीशन थ्री में। बोथ शंकर जी आपने बोला है कि इफ बोथ पी एंड सी कम्स देन हाउ टू ट्रेड, तो आपको क्या करना है, जिसका पहले ब्रेकआउट होगा, देखिए यहाँ पर भी दोनों है, सी एंड पी दोनों है, तो दोनों में से आपको देखना है कि दोनों के ऑप्शन चार्ट का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई किसका ब्रेक हुआ, राइट। 48,500 के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के कॉल ऑप्शन का हाई सबसे पहले ब्रेक हुआ था इस दिन, तो पुट ऑप्शन को अपन ने अवॉइड कर दिया, जिसका हाई पहले ब्रेक होगा उसमें अपन काम करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है कि दोनों आए तो किसमें करना है, तो इस दिन भी दोनों आए थे बट अपन ने काम किसमें किया, कॉल ऑप्शन में, क्यों, कॉल के फर्स्ट कैंडल का हाई पहले ब्रेक हुआ, पुट के फर्स्ट कैंडल का हाई पहले ब्रेक हुआ। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, आपको अभी समझ में आ गया, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये इस स्ट्रेटजी के रूल्स हैं, ये अपन ने डिस्कस की, मैं कोई भी और डाउट भी आपको लग रहा हो तो आप भी पूछ सकते हैं, बाद में भी आप जब ट्रेड जनरेट करें उस टाइम भी आपको कोई डाउट आता है तो आप लाइव मार्केट में भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, तो ये पूछ सकते हैं, जो आपका एक डाउट रह गया दीपांशु जी, आपका जो डाउट था कि GTT ऑर्डर किस प्रकार क्रिएट करते हैं, तो मैं GTT ऑर्डर आपको बताता हूँ, GTT ऑर्डर किस प्रकार क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट शेयर करता हूँ आपके साथ, और ट्रेडिंग अकाउंट में GTT ऑर्डर किस प्रकार क्रिएट करते हैं वो बता। देखिए मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा, आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ब्रोकिंग अकाउंट को यूज कर सकते हैं, सिर्फ जो GTT ऑर्डर किस प्रकार क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ से, यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है अभी, बट मैं किसी पर्टिकुलर ब्रोकर को रिकमेंड नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने बताया आप जो भी ब्रोकिंग अकाउंट यूज करते हैं उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी वो किया GTT ऑर्डर के लिए क्या करना होगा, मुझे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करना होगा, और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए OTP का जरूरत पड़ेगा, और मेरा मोबाइल अभी पास में नहीं है, मेरा मोबाइल नीचे वाले फ्लोर पे है और मैं अभी ऊपर हूँ, तो सॉरी आपको अभी जो दीपांशु जी आपका क्वेश्चन था वो मैं आपको अभी बाद में GTT ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि यदि मैं वो लॉग इन करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट तो उसके लिए मेरे मोबाइल का OTP जाएगा, और वो OTP का, जिस मोबाइल पर OTP जाएगा वो मेरे पास अभी नहीं है, तो
वो नीचे वाले फ्लोर पे, तो इसलिए आपको मैं बाद में बता दूंगा, फिर अलग से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो जीटीए, मुझे अभी याद आया कि ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन करने के लिए तो ओटीपी लगेगा, तो मैं अभी वो वाला जो आपका क्वेश्चन है जीटीटी का, वो आपको फिर अलग से बाद में आप पूछ लीजिएगा। फिर जस्ट जब आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि जीटीटी ऑर्डर किस प्रकार क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको बता। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है। देखिए आप जो भी ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हैं, मैं अभी आपको अप स्टॉक में बताने वाला था, अप स्टॉक में बहुत सिंपल है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, जैसे ये कंडीशन थ्री का अपन ये ट्रेड ले लेते हैं, कंडीशन थ्री में अपना क्या ट्रेड आया था, कंडीशन थ्री में अपना ट्रेड आया था 48,000। तो 48,500 के कॉल ऑप्शन का अपन ने फर्स्ट कैंडल का हाई देख लिया, 48,500 के पुट ऑप्शन का फर्स्ट कैंडल का हाई देख लिया। आपने देखा 48,500 के फर्स्ट कैंडल के कॉल ऑप्शन का हाई पहले ब्रेक हुआ। आपने जो हाई, फॉर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं इस दिन का हाई क्या था, हाई था 793 का, 792 का था, तो 793 पे अपन ने बाय का ऑर्डर प्लेस करना था, तो 793 पे अपन ने क्या किया, बाय का ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, बाय का ऑर्डर प्लेस किया, इसके बाद अपन ने फर्स्ट 50 मिनट कैंडल का जो लो था, लो के नीचे का अपन ने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। ओके, तो फर्स्ट 50 मिनट कैंडल के हाई के 1 पॉइंट ऊपर बाय रख दिया, लो के नीचे का अपन ने स्टॉप लॉस रख दिया, और इसमें अपन टाइम टारगेट लगाते हैं। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, उसको आप उसमें आप बिना टारगेट के प्लेस कर सकते हैं। मतलब जैसे कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट जो आपको मैं बताने वाला था, इसमें तो ये है कि अपन टारगेट जब जीटीटी ऑर्डर में एंट्री और एसएल प्लेस कर रहे हैं, टारगेट प्लेस नहीं करना चाहे, अपन टाइम का टारगेट लगाना चाहें, क्योंकि अपने टाइम के टारगेट पर लगाना है, मतलब 3:15 पे मार्केट पे बुक करेंगे, तो आप टारगेट बिना लगाए भी आप प्लेस कर सकते हैं। बट कुछ ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें आप जीटीटी ऑर्डर तभी आप प्लेस कर पाओगे जब आप टारगेट और एसएल साथ में लगाओगे एंट्री के साथ, तो आपके पास ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप बड़ा टारगेट लगा के रख सकते हैं। बड़ा यानी कि जैसे आपने मान लीजिए बैंक निफ्टी में आपने 250 पॉइंट का टारगेट लगा कर रख दिया, क्योंकि आपको पता है आपको प्राइस के टारगेट पे तो बुक करना नहीं है, आपको तो 315 पे मार्केट रेट पे बुक करना है, तो आप एक बड़ा टारगेट लगा के रख सकते हैं जो अच्छी आपको लग रहा है कि नहीं आएगा। उससे क्या होगा कि आपका जीटीटी ऑर्डर में एंट्री टारगेट और आप ये लगा के रख देंगे, जस्ट आपको 3:15 पे 1 बजे एक बार देखना है, 3:15 पे जो मार्केट रेट होगा उस पर आप बुक कर लेंगे। तो ये कंडीशन थ्री के लिए कि आप बिना टारगेट के जीटीटी प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप जीटीटी जो प्लेस कर रहे हैं आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा है जिसमें एंट्री टारगेट एसएल तीनों प्लेस करना कंपलसरी है, तो आप टारगेट बड़ा लगा के रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन वन और टू में तो आपको हमेशा टारगेट आएगा, तो एंट्री टारगेट एसएल तीनों आपके पास है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के 1 पॉइंट ऊपर का एंट्री है, तब तक का जो फर्स्ट कैंडल का लो है, लो के नीचे का एसएल है, और आपका टारगेट दिया है कंडीशन वन और टू में, तो कंडीशन वन में और टू में जो हमेशा आपको ट्रेड आएगा उसमें आप एंट्री टारगेट एसएल तीनों के साथ जीटी ऑर्डर क्रिएट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ट्रेड का आप एग्जिट हो रहा है, आपको बार बार देखना नहीं रहेगा, आपका ट्रेड एग्जिट होने के बाद टारगेट कहाँ पर लगाना है आपको वो भी आपको बार बार देखना नहीं, क्योंकि आपके पास टारगेट स्टार्टिंग में आ गया, तो एंट्री टारगेट एसएल तीनों प्लेस करके रख सकते हैं, इसलिए आपको मैंने जीटी ऑर्डर का बोला है। तो आप करके देखिएगा लाइव मार्केट में, फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, आप जीटीटी ऑर्डर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार लाइव मार्केट में भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइव मार्केट में आप कनेक्ट हो जाएगा, मैं बता दूंगा, या फिर आप बाद में भी मुझे सेपरेटली मैं बता कर सकते हैं, तो मैं आपको अलग से कभी आपके साथ कनेक्ट होके, या फिर मेरे पास देख लूंगा कोई जीटीटी ऑर्डर का कोई वीडियो होगा जिसमें जीटीटी ऑर्डर लगाया है, जिसमें एंट्री टारगेट एसएल तीनों प्लेस करते हैं, तो वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो अब अलग से आप मुझे लाइव मार्केट में भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जो आप सबके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो बिल्कुल आप अभी भी आपके जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। नरेश नरेश जी, आप जो अदर स्ट्रेटजीज हैं अदर लेवल पर, उनके लिए आप अलग से मैसेज कर दीजिएगा, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इस स्टेज में कोई डाउट हो तो पूछ लेते हैं, अदर जो भी आपको इंक्वायरी करनी है तो अदर से आप मैसेज कर दीजिएगा, तो सेपरेटली आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। मयंक जी थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए, और भी आपको डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रतीक जी आपको भी थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए, थैंक यू दीपांशु जी। हाँ मेरा नंबर यही है जो आपने सेंड किया, 8269550333, इस नंबर पे आप आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, श्री रेड्डी जी थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए, किशोर जी आपको भी थैंक यू वैल्यूबल फीडबैक के लिए, और भी आपके क्वेश्चंस हो तो उनके लिए भी आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज पे। विवेक जी थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए,
और भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सुशील जी, आपके और भी डाउट्स हो तो आप भी पूछ सकते हैं आपके डाउट्स, या फिर अलग से भी बाद में भी कोई डाउट्स आते तो आप आपके जो डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कॉल भी कर सकते हैं। और आपको यदि लास्ट के कुछ ट्रेड्स को चेक करना है तो आप ये जो ट्रेड्स दिए हैं चेक भी कर सकते हैं, लास्ट 1 मंथ के जो ट्रेड्स हैं उनका आपको देखना है कि लास्ट 1 मंथ में इस स्ट्रेटजी ने क्या ट्रेड दिए हैं, ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं आपके एक्सेल में इसका ट्रेड टिकर है। ओके, वेलकम अमिता जी, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू शिवशंकर जी आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। थैंक यू आपके थैंक यू टीचिंग स्टाइल के लिए जो आपका वैल्यूबल फीडबैक है, थैंक यू। और भी आपका कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं एक्टिवली अवेलेबल हूँ आपके जो भी क्वेश्चन है उनका उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू श्री रेड्डी जी, और भी आप सबके डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, बाद में भी कोई डाउट्स हो तो आप अलग से भी आप पूछ लीजिएगा, आपके जो डाउट्स आते हैं ठीक उनके लिए वो मुझे अलग से मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू एवरीवन, मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ, बाद में आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे अलग से भी कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। ओके।